例えば、この人たう受け止めした हेलो 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 इज इट बेटर एबल टू हियर नाउ आवाज आ रही है क्या इफ द साउंड इज कमिंग कमेंट सेक्शन इफ यू आर एबल टू हियर मी प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन सो आई नो यस टाइप करो यार आवाज आ रही तो साइलेंट स्ट्रीम दिख रहा है यस यस आई वांट टू सी यसस अगर यस आ रहा है साउंड आ गया तो यस टाइप करो <laughs> ये क्या मस्ती कर रहे हो तुम लोग यार कमेंट्स में अब आ, आ रही है अभी आ रही है अच्छा हाँ बाबा देखो अगर दूसरी जगह पे हैं हम अभी कैन यू सी देंज हैज चेंज वी आर इन ए डिफरेंट प्लेस और मैं सारी चीजें चेक कर ली अब लाइव होने के बाद ही मुझे समझ में आता है कि साउंड आ रहा है कि नहीं अभी समझ में आ रहा है सुनाई दे रहा है एवरीथिंग इज गुड अब रिवर्क भी नहीं आ रहा होगा आई होप की आ, आवाज ज्यादा भी नहीं कर रहा है। <laughs> क्या मस्ती करते आप लोग क्या क्या तो कमेंट्स में मतलब आवाज़ नहीं साइलेंट साइलेंट स्ट्रीम होने, होने वाला है आज ये होने वाला है। व्हाट इज बैड क्वालिटी व्हाट बैड क्वालिटी बाबा नॉट क्लियर इज इट वेट मैं ये भी ट्राई कर लेता हूं देर बी बैड क्वालिटी सब तो लगाया हुआ अच्छे से

ज इट बेटर कार बनाइए वीएट साउंड अभी भी आ रही है क्या एक को हो रहा है अच्छा वेट लेटमी एक ठीक से बताओ यार नॉट क्लियर नॉट एट ऑल गुड वाई इट्स जस्ट कनेक्टेड आई हैव इट कनेक्टेड एंड आई हैव द माइक ऑल्सो कनेक्टेड वट इज वॉन्ट मिल डू अभी बेटर है नो येस बैड साउंड नॉट क्लियर अगर ठीक है तो यस टाइप करो अभी भी नो आ रहे हैं फट रही है आवाज अरे यार वेट रुक जाओ रुक जाओ बड़वाड नाउ नॉट क्लियर नॉट क्लियर अरे यार ये क्या विदाउट एनी साउंड विदाउट ओनली टेक इश्यूज को आपने 104 लाइक्स कर दिए इज 104 लाइक्स ऑन दिस स्ट्रीम फॉर ऑल टेक इश्यूज ओनली एक सेकंड आउट करने की कोशिश कर, कर। जो गूंज रही है आवाज हाउ डू आई फिगर दिस आउट क्या हो क्या रहा है मुझे मतलब वन सेकेंड गिव मी अ अटर मैं सीन चेंज करता हूं लेट सी इफ दैट वर्क्स वर्क आम 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 मैं अभी सीन चेंज करूंगा बहुत ही अलग लगने वाला है आप लोग को यू हैव टू डील विद इट हेलो अब बेटर है क्या इज इज बेटर बायस अगर बेटर है तो यस यस टाइप करो फुल टेक इश्यूज ओपी टेक इश्यूज ओपी इन द कमेंट टेक इश्यूज ओपी इन द कमेंट अभी वापस वही आ रहे क्या वही प्रॉब्लम चल रहा है क्या कान खराब करेगा <laughs> अरे नहीं बाबा आई डेंट वॉन्ट टू डू इट रुक जाओ अबाउट नाव अभी बताओ पुपू 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 आ रहा है आई नो दिस इज पुपू बट हाउ अबाउट नाव अभी ठीक है नो नो वर्स वर्स यस कोई तो यस लिख रहा है कोई एक कोई एक है जो मेरी दुख दर्द को समझ पा रहा है अभी बेटर है इज इट बेटर आई वॉज एक्चुअली मूविंग अराउंड या देखो जो भी सेटअप है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया है टेक्स इश्यूज ओ पे आ रहा है वर्ष गंदी आवाज यस ओ पी यस बेटर बेटर मस्त 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 क्लियरेस्ट क्लियरेस्ट ऑल दीज टेक इश्यूज वी विल एडिट इट आउट ठीक है लास्ट में जब पोस्ट करेंगे तो जहाँ तक भी अभी मतलब मैं बिल्कुल शुरुआत से वापस से आपको इंट्रो करता हूँ क्या कहते हो यस आ रहा है कॉमेंट्स में <laughs> क्या मस्ती हो रही है यार वेट वन सेकेंड कितना टाइम हो गया हमारे स्ट्रीम पर अभी हम लोग दस मिनट के लिए सिर्फ टेक इश्यूज के साथ ना <laughs> नाच रहे थे इधर उधर आई डोंट नो वट इज अ वे देखो मैं अभी खुद से तो अपने आप ही लाइव होके देख नहीं सकता है ना अगर मुझे लाइव होना है तो लाइव होके आपके सामने आना पड़ेगा और आपके सामने आके ही मुझे समझ में आता है कि साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है मैं बढ़ा देता हूं, रुको, बढ़ा देता रुको वॉल्यूम दिया अच्छे से अभी ठीक आएगा आई थिंक मैं आपसे बात करते करते शॉर्ट कर सकता हूं ना गुड थोड़ा लाउड करो अभी बेटर है यस yes. जकास जकास यस yes. टाइप करो यस इन द कमेंट सेक्शन स इन द कॉमेंट सेक्शन इफ एवरीथिंग इज गुड टाइप येस इन द कॉमेंट सेक्शन सो आई विल नो अब मैं फुल कैमरे पर भी आ सकता हूँ आई थिंक इवन नाउ इट विल वर्क फाइन हाउ आर यू गाइज डूइंग देखो ये सारी इश्यूज बेसिकली शिफ्ट किया यार लास्ट टाइम अपने स्ट्रीम देखा होगा इट वॉज है डिफरेंट प्लेस Uh, दूसरी जगह पे कर रहे थे हम लोग आज अलग जगह पे कर रहे हैं आई uh, होप आज आप लोगों को रूम का सेटअप uh, भी समझ में आ रहा है कि है, थोड़ा अलग है 153 हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री ऑसम सो मेनी येस इज कमिंग इन द कॉमेंट सेक्शन मैं आज सोच रहा था यार कि मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली एक स्ट्रीम करता हूँ आप लोगों के साथ वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो भी आप नए हो डिजिटल पेंटिंग में आपने अगर शायद पहले कभी नहीं किया है तो मैं सोच रहा था कि आपको बिल्कुल बिगिनिंग से सिंपल सिंपल चीज़ें या फिर हाउ डू यू गेट स्टार्टेड ये दिखाता हूं और ये सारी चीजें सिखाता हूं ऑसम awesome. मेरे को येस आ रहे हैं ऑसम फिफ्टीन मिनट्स लास्ट नथिंग इज लास्ट हम बातें तो कर रहे हैं यार यू गाइस हेल्प मी सॉर्ट दिस तो स्ट्रीम सही हो गया ना कम से कम अब नए जगह पे जहां पर भी um, यस 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 सो मनी यस इज कमिंग इन आसम आसम ठीक है 150 लाइक्स हो गई सिर्फ, सिर्फ काम कर करता हूँ ना इसमें तो ये होगा एंड दैट वुड गॉट्टी लाइक इट एनी वेज थैंक यू सो मच फॉर ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइज शोन मी आज का वीडियो देखा कि नहीं देखा पहले थोड़ी देर बातें करता हूँ आज मैं आई वॉज सिंग की यार हर बार शुरुआत से ही चलो डिजिटल पेंटिंग चालू कर देते हैं वैसे चल रहा है हर बार तो मैंने सोचा लेट्स टेक इट अ लिटिल स्लो टॉक अ लिटिल बिट बातें करते हैं आप लोग क्या क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में थोड़ी देर गप्पे लड़ाएंगे एंड देन वी विल गेट इन टू इट सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू डिजिटल पेंटिंग बिल्कुल ईजी तरीके से कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो या फिर अगर आपने कभी भी डिजिटल पेंटिंग नहीं किया है तो यू विल प्रोबेबली लाइक दिस स्ट्रीम बिकॉज यहाँ पर मैं लेयर्स क्या होती हैं और ब्रशेस कैसे यूज करते हैं और कैसी चीज़ें यूज कर सकते हो आप एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ सो दैट वुड प्रॉबलीट वन हंड्रेड एंड एटी थैंक यू सो मच गाइस एंड यस आप लोगों ने वीडियो देख लिया सो यू आर जम्पिंग ऑफ इमीडिएटली अभी जाके वीडियो देख रहे हो थैंक्स अलॉट गाइस वीडियो आया था येस वडोफोन डॉग ओपी ऑसम ऑसम थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट फॉर द लव मैं एक्चुअली पिछले हफ्ते अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो वीडियो नहीं आई थी ट्रांसफॉर्मेशन uh, वीडियो कोई भी नहीं डाला था मैंने शॉर्ट वीडियोस नहीं डाल रहा था मैं तो अभी मैं वापस आई पुट इट आउट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट मैं कुछ टाइम से सोच रहा था आइडिया के लिए वेट कर रहा था कौन सी आइडिया अच्छा आइडिया कोई हो उसको हम uh, बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू डू दीज ट्रांसफॉर्मेशन की करना है तो करना है यू you नो know, कुछ भी ऐसे बस करना है इसलिए डालना है ऐसे नहीं सोच रहा था मैं सोच रहा था कि कुछ तरीके से सोच समझ के और समथिंग दैट यू गाइस वुड प्रोबेबली लाइक ऐसा कुछ करते हैं <laughs> मस्त रे बाबा डॉग ओपी मेरी जिंदगी में एक डॉग की कमी है एक छोटो सा क्यूट सा प्यारा सा you know? है ना मजा आ जाए फिर तो थैंक यू सो मच आप लोग कहाँ से हो यार नाइनटी एट पॉइंट थ्री इन माई फाइनल्स ओ माई गॉड कंग्रेचुलेशन लेट मी अनपिन दिस कॉमेंट अब तक वन सेकेंड समबडी हैज गॉट इनायत आई गॉट नाइंटी एट पॉइंट थ्री इन माई फाइनल्स इनायत कंग्रेचुलेशन यार दैट सच अजेजिंग ग्रेट स्टॉफ और आप लोगों की लाइफ में और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में यह चल रहा है कि मैंने पिछली स्ट्रीम दूसरे घर में की थी और दूसरी जगह पर कर रहा था मैं अब दूसरी जगह पर कर रहा हूँ आई होप यू गाइस रिकोगनाइज जो भी uh, बिल्कुल शुरुआत में आठवां आर्मी में थे uh, आप लोगों को शायद याद होगा कि मैं इस रूम में स्ट्रीम करता था हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस रूम इस रूम में शुरुआत शुरुआत में करीब 5000, 6000 जब हमारे फॉलोअर्स uh, थे सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पर उस टाइम पर मैं इस रूम में स्ट्रीम कर रहा था एंड देन वी मूव टू अ डिफरेंट प्लेस नाउ वी आर बैक टू दिस प्लेस ये चमकने लग गए आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग वेट हर तरह की इश्यूज आज हमारे साथ ओके okay. एनीवेज यस गाइस गुजरात और आप मेरे लाइफ में टेंथ क्लास कोविड नाइन्टीन इज द ट्रेंड गुजरात अरे यार मैं हैदराबाद में हूँ मैं अभी करंटली हैदराबाद में हूँ मैंने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले मनीकोंडा में रह रहे हैं हम लोग मनीकुंडा एरिया में रह रहे हैं हम लोग और मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ और शॉर्ट आउट प्लीज वॉन्ट अ गिव अवे ये वापस से लाइट चमकने लग गया आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस फुल डिस्को सीन हो रहा है यार आज <laughs> नई जगह है तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई विल हैव टू सॉर्ट दिस थिंग्स आउट होपफुली वी विल बी एबल टू डू इट वेरी सून सम टाइम एक दो स्ट्रीम हो जाएगा तो आई थिंक एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल थैंक यू सो मच हर्षित टून्स हैज़ गॉट 16 सब्सक्राइबर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन कंग्रेचुलेशंस और हमारे चैनल uh, पर भी काफी अच्छी ग्रोथ हो गई है ऑल थैंक्स टू यू गाइस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हो रहा है सब थैंक्स यू थैंक यू सो मच गुजरात छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश लाइट्स अच्छे लग रहे हैं ओ पी पिंक थैंक यू सो मच मैन दो अलग अलग लाइट लगाया एक्चुअली इस साइड एक लाइट है इस साइड एक लाइट है देखोगे क्या टू सी यू टू सी वो लाइट्स कैसी हैं वो सिंपल सी है यार लाइक वेरी वेरी सिंपल लुक ऐसी लाइट्स दिख रहा है ऐसी लाइट्स है और ये कलर चेंज होता है इसका होल्ड ऑन मैं दिखाता हूँ दिवाली लाइट दिवाली लाइट नहीं है ये <laughs> एक सेकेंड इफ आई चेंज द कलर तो इसका कलर चेंज हो जाता है इट कैन शो यू रेड कलर राइट ग्रीन ब्लू कलर अभी फुल मतलब किसी मूवी के सेट पे बैठा हूँ ऐसा लग रहा है ना

अमेजिंग शाउट आउट प्लीज प्रणया शाउटआउट टू यू दिवाली ओपी यस फुल दिवाली सीन्स एट द ऑफिस राइट नाउ थैंक यू सो मच कॉन्ट वेट फॉर द जूम कॉल अरे हाँ वो ट्वेंटी फिफ्थ को सेशन है उसका लिंक आपको अभी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा गो हैड एंड चेकआउट द कम्युनिटी पोस्ट हेलो आप कहाँ से हो मैं हैदराबाद से हूँ यार आई एम फ्रॉम हैदराबाद क्रिश बनाओ आज क्रि क्रिश का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं क्या मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ बातें करता हूं नई जगह पर है तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और चिल करते हैं और बातें करते हैं आई जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट क्या आप पेपर पे पेंटिंग करते हो हाँ करता हूं ना पेपर पे नहीं एक सेकेंड रुको दिखाता हूँ इससे पहले मैंने दिखाया था ये बट अभी वापस दिखाता हूँ लुक इिस दिस इज अ पेंटिंग दैट आई मेड इट समाइम बैक और ये कंप्लीट नहीं हुआ है इट इज नॉट कंप्लीट Um, uh, सोचता रहता हूँ मैं कंप्लीट करूंगा करूंगा बट अब तक नहीं हो पाया दिस इज बेस्ड ऑन अ कैनवस एंड ऑल्सो ये पता है क्या इसको हमने कैसे यूज किया है मैं बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे लुक एट दिस यू रिमेंबर दिस हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर दिस इफ यू रिमेंबर दिस टाइप यस ये देखो यू रिमेंबर ओ बाय द वे अब तक भी नहीं आया यार टू होने वाले हैं टू के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे पास अब तक अपना हंड्रेड के का सिल्वर बटन नहीं आया जस्टिस फॉर वेंकी स्पैम कर दो यार कमेंट्स में आई वांट टू सी जस्टिस फॉर वेंकी कमिंग इन द चैट बिकॉज यूट्यूब इज यूटूब वाई वॉट इज इज बिहेवियर यूट्यूब 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 नो ओ पी यूट्यूब नो ओ पी जस्टिस फॉर वेंकी प्लीज इन द चैट नहीं आया यार हमारा अब तक सिल्वर बटन नहीं आया इमेजिन मैं पीछे रख सकता हूँ यहाँ पर अभी अच्छे से इन सारी दिवाली लाइट्स के बीच में उसको रख दूंगा तो बहुत प्यारा लगेगा रिमेंबर आई रिमेंबर दिस सेटअप इन आयत इंगी रिमेंबर या पहले पहले हमने यहीं पे किया था एंड वहाँ पे उस टाइम पर भी एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रीम किया था मैंने जब मैं सिखाने की कोशिश रहा था आपको अगर आपको सीखना है तो जस्टिस फॉर की इज कमिंग इन द कामेंट थैंक यू सो मच यार यूट्यूब नॉट ओपी येस क्यों नहीं आया क्यों नहीं बटन दिया हमने अब तक क्यों सिल्वर बटन क्यों नहीं आया हम लोग धरने पर आ जाएंगे आई होप आई विश आई वॉज इन बॉम्बे थैंक्स अलॉट गाइज थैंक यू सो मच एंड या अभी आई थिंक वॉट इज द नेक्स्ट माइल स्टोन हमको अगला माइल स्टोन कौन सा सोचना चाहिए क्या हिट करना चाहिए कोशिश फॉर नाउ आई थिंक टू फिफ्टी थाउजेंड होने वाले हैं विच इज ऑल्सो अमेजिंग नेक्स्ट वी हैव टू एम फॉर समथिंग बिगर एंड आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग सम डिफरेंट थिंग्स फॉर यू आपके लिए हंड्रेड थाउजेंड सब्सक्राइबर्स पर एक अच्छा सा गिव अवे किया था थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट नाउ समथिंग बिगर में बी इन द कमिंग फ्यू डेज प्लेट्स सी थैंक यू थैंक ज लॉर्ड क्रिश 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 आ रहा है क्रिश को ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ब्रो मैं याद हूँ मेरा फेवरेट क्रिएटर uh, क्रीचर विनोद है आसम याद थैंक यू सो मच काफी लोग आप जो अभी स्ट्रीम पर हैं आप लोग बहुत पहले से आ, आत्मा चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव मैं कुछ लोगों को हाई कह देता हूँ कुछ लोगों को आउट दे देता हूँ हाय जय थैंक यू फॉर बीइंग हियर टीम टाइटन रंजना त्रिपाठी त्रिशा ड्रॉ विद कुशल अक्का अक्का वीरा केसर ऐश्वर्या भुवेश भुवनेश अंशुमन सिंह थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज फॉर हियर बताओ अगर आपको अभी बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रीम पे क्या सीखने का मन है वॉट यू वॉन्ट टू सी बिल्कुल ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आई नॉट मेक दिस स्ट्रीम वेरी लॉन्ग प्रॉब्बली मेक इट वन आवर एंड उसमें हम लोग छोटे छोटे टेक्निक्स देखेंगे कैसे लेयर्स यूज कर सकते हो कैसे आप स्केच uh, uh, बना सकते हो उसके ऊपर देन हाउ कैन यू डू यू नो कलर कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग है ना you said that you will do radha krishna art in one of the past streams radha krishna art okay let me think about that yeah matlab stream par karne mein na kya hota hai ki ek artwork ko leke main baith jaunga pure time pe and uh, probably agar radha krishna jaisa kuch hai to it might take a long time to do uh, The way I'm doing it is इज अभी जो स्ट्रीम्स कर रहे हैं उस पर हम छोटे छोटे कैरेक्टर्स लेते हैं सो बहुत सारे रिक्वेस्ट आपके बना पाता हूँ मैं बट आज मैं ये सोच रहा हूँ कि वापस चमकने लगा Why is this happening today? Better, I think एक कलर पर रख देते हैं इन दोनों को और या फिर I can try Yes अरे बांधी कर देता हूँ यार इनको ये पता नहीं क्यों दिवाली चमक चमक चल रहा है सीन यहाँ पे यस yes. आउटलाइन बना सकते हैं देन उसके बाद कलर कर सकते हैं ये सारी चीजें कर सकते हैं हम uh. <coughs> थाउजेंड मिलियन टारगेट वाह हो गया ये। जस्ट शट दम लाइट शट दिवाली हो रहा है पर। <laughs> uh, यार। ओनली थिंग इज अगर आप फोटोशॉप पे काम करते हो तो फोटोशॉप हैज इट्स ओन अबिलिटीज ऑफ मेकिंग इट्स इजियर बंद कर दूँ क्या थोड़ी देर के लिए बंद रखते हैं आई डू नो

वो आप देखोगे उसमें है आ, लेटेस्ट वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल दूँ क्या आई होप यू गाइस विल एनी वे वॉच द वीडियो लेटर अगर आपने देखा भी नहीं है अब अगर अगर स्ट्रीम पर आए हो तो आपको आ ही जाएगा वो किसी भी हाल में आपको रिकमेंडेशन में तो ज़रूर आने वाला है जस्ट होल्ड ऑन फॉर वन सेकेंड मैं एनी वे यहाँ डाल देता हूँ um, जो भी लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख पाएंगे लेटेस्ट वीडियो का लिंक डाल देता हूँ हाँ उसी का फुल कोर्स की ही बात कर रहा हूँ यार अगर देखो सी एनी बडी एनी ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द फुल कोर्स क्या है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो यू कैन कम इन टू द सेशन और वेबिनार जो हो रहा है मास्टर क्लास में उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड उसका लिंक आपको आ, मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ एंड अच्छा ठीक है चलो लेट मी गिव द लिंक हीयर ओनली मैं यहीं पर दे देता हूँ आपको लिंक फिर जाना नहीं पड़ेगा आपको hmm. महापोपट हुई आज नहीं स्ट्रीम पर कुछ ना कुछ फुल एफ 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 सीन्स आज तो पूरे टाइम एफ ही चल रहा था फेल पे फेल पे फेल हो रहा था नहीं लेट मी गिव यू द लिंक आप ये लिंक फॉलो करके रजिस्टर कर सकते हो अडल्ट वर्शन ऑफ शिंचैन अडल्ट वर्शन से तुम्हारा मतलब है जब बड़ा हो जाए ना ग्रोन अपिनचैन कर सकते हैं यार दैट वुड बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली देखो अभी मैंने एक आ, लिंक डाला है आ, ये आप लिंक याद रख सकते हो द आर्टमा डॉट को फॉरवर्ड स्लैश मास्टर क्लास उसको पिन किया हुआ है देखो अभी है ना पिन हो गया पिन हुआ ना हाँ पिन हो गया उस से उस लिंक पर जा सकते हो आप उस लिंक में जाके आप डिटेल्स भर दो ट्वेंटी को एक सेशन हो रहा है उस सेशन में आई एक्सप्लेन एवरी थिंग देर इज़ फॉर यू टू नो अबाउट माई प्रोग्राम मेरे आर्ट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इमेजिन अगर आज ये Um, चमक रहा है दिवाली पे क्या हाल होगा आई नो या यस सुनील कुमार यस बोल रहे हैं ओके okay, सर क्या क्रिटा इज़ गुड फॉर बिगिनर्स इट इज़ गुड लाइक आई सेड फोटोशॉप इज़ स्लाइटली मोर इजियर कम्पेयर टू क्रिटा क्रिटा में कुछ चीज़ें हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं बट इट्स अ फ्री एप्लीकेशन सो दैट्स द गुड पार्ट मेक एरन ऑफ एरन फ्राम अटैक ऑफ टाइटन आई थिंक एर एन बनाया है मैंने एरन येगर भी बनाया हुआ है ऑलरेडी ओपी ओ पी ओ पी ओ पी आ रहा है ओके सर आई वॉन्ट योर कपल ड्रॉइंग इन माई न्यू डेको बट आई कॉन्ट शो यू दैट बिकॉज माई मॉम नॉट अलाउड टू यूज इंस्टाग्राम आप मेरे को ई मेल कर सकते हो माई ई मेल आई डी इज़ वेंटेश एट द रेट द आत्मा डॉट कॉम ऑल राइट लेट मी गो हैड एंड शेयर माई स्क्रीन नाउ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना बेटर नाव अभी आवाज़ ठीक आ रही है जी बेटर Yes, I hope you guys are able to hear. I hope you guys are able to see and everything is good. Because initially तो बहुत popat हुई है है ना मैं एक आप लोग को एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कुछ सिंपल सा बनाए नॉट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनीबडी एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन वॉट आर लेयर्स वॉट इज यू नो वॉट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लेयर्स और कैसे आप एक एक लेयर के साथ काम कर सकते हो आई एम गोट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू दोज हुर न्यू लेट गो हैड एंड लुकेटेड बाय द वे द मास्टर क्लास दैट इज हैपनिंग ऑन वेडनेसडे इज पावर्ड बाय एक्सपी पेन उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर मास्टर क्लास उनके साथ कोलाबोरेशन में ऑर्गेनाइज करें तो येस शॉर्ट आउट टू दैम एज वेल लेट मी गो हैड एंड शो यू लेयर्स क्या होती हैं लेट मी एक्सप्लेन टू यू ओके वॉट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बॉक्स जैसा जो दिख रहा है दिस इज बेसिकली लेयर्स पैनल ओके लेयर्स पैनल और इसमें ये जो छोटा सा बॉक्स जो नजर आ रहा है दिस स्मॉल बॉक्स इज द लेयर दैट वी आर वर्किंग ऑन है न मिस्टर एंड मिसेस वोडोफोन बहुत प्यारे लग रहे हैं किसी ने कमेंट में लिखा है इज गुड फॉर बिगिनर इट इट इज ये आर यू एन इंजीनियर यस मनन पटेल आई एम एन इंजीनियर मन पटेल आई एम एन इंजीनियर यस सो मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी सुन लो आप सी देर इज समथिंग कॉल्ड लेयर्स इन साइड ऑफ विंडो किसी भी ड्राॅइंग एप्लीकेशन में आप जब काम कर रहे होते हो तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज लेयर्स ओके लेयर्स आर लाइक ट्रांसपेरेंट शीट्स एंड उन ट्रांसपेरेंट शीट्स के ऊपर आप पेंट अप्लाई करते हो ठीक है से सपोज दिस इज़ द बैकग्राउंड अगर ये बैकग्राउंड है इसमें व्हाइट कलर का पेंट अप्लाइड है ओके व्हाइट कलर का पेंट इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ आई कैन यूज समथिंग लाइक अ पेंट पाकेट टूल ओके इफ आई टेक द पेंट पाकेट टूल और पेंट पाकेट टूल लेकर कोई भी कलर पिक कर लेता हूँ कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ लेकर उसे अगर यहाँ पर टैप करता हूँ तो वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड उस कलर में हो जाता है ओके बीटीएस यस एक काम करता हूं मैं आज का जो मैं बेसिक ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूं उसमें बीटीएस के कैरेक्टर्स यूज करते हैं इज दैट गुड इज दैट गुड कैन वी डू बीटीएस कैरेक्टर्स के बेसिस डिजिटल पेंटिंग के वेरी वेरी इजी अंडरस्टैंडेबल ट्यूटोरियल्स आप लोगों ने बीटीएस कर दिया पर्पल हार्ट स्पैम कर दीजिए गो हेड एंड स्पैम सम पर्पल हार्ट इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज आई वॉन्ट सी हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन बी टी एस और केपॉप इन जनरल सिंपल से कैरेक्टर्स लेंगे लेकिन मैं उनको लेके एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे आप डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो यस हितेश खरात होप वन मिलियन सून थैंक यू सो मच या बी टी ट्वेंटी वन कैरेक्टर्स देखते हैं पर्पल हार्ट्स इन द कमेंट्स गाइस पर्पल हार्ट्स इन द कमेंट्स प्लीज एक तो आर्मी है और ऊपर से बी है थैंक यू सो मच आई सी पर्पल हार्ट कमिंग इन द कॉमेंट सेक्शन बी टी एस ओ पी ऑसम सो so, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एक एक टेक्निक अभी एक्सप्लेन करूंगा थैंक यू सो मेनी पर्पल हार्ट्स कमिंग इन ऑसम गाइस थैंक यू सो मच तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूं ये जो बैकग्राउंड है इसका इसको बिल्कुल एक लाइट कलर डाल देता हूं पेंट बकेट टूल यूज करके अगर आपने एम एस पेंट पर भी काम किया है किसी भी ड्राॅइंग एप्लीकेशन पर काम किया है तो आप पेंट बकेट लेकर इस तरह से टैप करोगे तो आप कलर चेंज कर सकते हो तो जो कलर हमने पिक किया है इसको कलर पिकर बोलते हैं और इसमें आप देख सकते हो कि कलर लाइट से बहुत ज़्यादा सेचूरेटेड uh, कलर है और यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट से बिल्कुल डार्क तक भी कलर है सो so, इसके अंदर आप जहाँ पे भी टैप करोगे वहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो सो so, मैंने यहाँ पे एक जगह से पिक किया थोड़ा सा नॉट वेरी सैचूरेटेड थोड़ा सा डिसचुरेटेड एंड यहाँ पर मैं अभी टैप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड एक कलर का हो गया है राइट द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू इसके ऊपर हम क्या करेंगे एक नया लेयर बनाएंगे ठीक है ये बेस लेयर है ठीक है जब यहाँ पे ऐसे टेक्सचर्ड या फिर एक चेक चेस बॉक्स जैसा अगर व्यू दिखता है इसका मतलब है कि वहां पे कुछ भी नहीं है राइट right? चेस के जैसा दिख रहा है ये ब्लैक एंड ग्रे सॉरी वाइट एंड ग्रे वाइट एंड ग्रे वाइट एंड ग्रे अब ऐसा जब भी दिखे इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी पेंट अप्लाइड नहीं है ऑल right. अगर आप इस लेयर का लेयर के बगल में जो ये आई वाला बटन है उसको प्रेस करते हो तो वो लेयर हिडन हो जाता है यानी कि छुप जाता है ओके okay? उसको वापस से टैप करोगे तो फिर वो दिखने लगता है ठीक है अभी दिख रहा है क्योंकि ये आई दिख रहा है यहां पे आंख नजर आ रही है ना दिस आई इज बेसिकली द विजिबिलिटी ऑफ दैट लेयर अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये छुप जाएगा अगर वापस से क्लिक करूँ तो दिखने लगेगा ओके okay? अब जब ये दिख रहा है इसके ऊपर एक और लेयर मैंने बनाई हुई है देखो ये एक लेयर है लेयर नंबर वन मैं इसका नाम रख देता हूं बैकग्राउंड ओके एंड इसके ऊपर एक नया लेयर है इसको मैं लिख देता हूँ स्केच राइट दो अलग अलग लेयर बना दी अब इसके ऊपर वाला जो स्केच लेयर है उस पर मैं जो भी पेंटिंग करूँगा वो उसी लेयर पर रहेगा बैकग्राउंड पर नहीं जाएगा ओके okay? तो ये ऊपर वाली लेयर पर मैं जाता हूँ और एक कलर ले लेता हूँ कोई भी सपोज मैं ऐसा ब्लू ले कलर ले लेता हूँ ठीक है कलर पिक किया अब इसे हम ब्रश लेकर अप्लाई करेंगे सो लेट मी गो हैड ये जो है यहां पर ब्रश टूल है ओके okay? और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ब्रश दिख रहा है यहाँ पे ब्रश टूल उसको सेलेक्ट कर लिया हमने और कई सारे अलग अलग टाइप के ब्रशेस होते हैं फोटोशॉप में आप अगर यहाँ पे टैप करोगे तो देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रशेस आते हैं ओके okay? इनमें से कोई भी एक ब्रश पिक कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस मैंने ये स्क्वायर ब्रश पिक कर लिया ठीक है इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं हम इस विंडो को मैं क्लोज कर सकता हूँ क्लोज कर दिया अब साइज़ जो है लेफ्ट ब्रैकेट्स या राइट right ब्रैकेट से आप साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो ओके ओके सो जैसे अगर मैं इस ब्रश का साइज़ बिल्कुल छोटा कर देता हूँ और अब इस छोटे ब्रश से एक लाइन बनाता हूँ देख रहे हो लाइन बिल्कुल पतली सी बन रही है मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड तो लाइन हट जाती है ब्रश का साइज़ वापस से बड़ा करता हूं बड़ा कर दिया इतना बड़ा हो गया देखो अब जब अब जब ब्रश का साइज इतना बड़ा हो गया है नाव अब मैं जब लाइन बनाता हूं तो देख रहे हो कि एक काफ़ी ब्रॉड सी लाइन बन रही है और बिकॉज स्क्वायर लिया हुआ है तो स्क्वायर बन रहा है इसमें अब, ठीक है सो सो नाव वाड एम आई गोइंग टू डू इज मैं ब्रश का साइज़ छोटा ही रखता हूँ ओके okay? छोटा ही रखता हूँ और छोटा रख के एक स्केच बनाना शुरू करता हूँ अपने पेन से सो so, टूल्स की बात करें अगर तो देर आर पेन टैबलेट्स आती हैं डिस्प्ले टैबलेट्स आती हैं इसका मतलब क्या है कि आप एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हो पीसी पर काम कर रहे हो लेकिन उसको आप कनेक्ट करते हो एक पेन टैबलेट के साथ और ये जो पेन टैबलेट है यानी पेन ये है और टैबलेट मेरा यहाँ पर रखा हुआ है ठीक है शायद आपको दिख नहीं रहा है तो वो टैबलेट के ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और जब मैं उस पर ड्रा कर रहा हूँ तो पेन का जो भी मार्क्स मैं बना रहा हूँ इस पर वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ठीक है और डिस्प्ले टैबलेट की खासियत ये होती है कि डिस्प्ले टैबलेट आप डायरेक्टली डिस्प्ले पर बनाते हो ठीक है दूसरी अलग तरह की भी पेन टैबलेट्स आती हैं जो कि ऐसी होती हैं कि उनमें सरफेस पर आप बनाते हो लेकिन जैसे माउस चलता है माउस टेबल पर चलता है और आप स्क्रीन में देखते हो स्क्रीन पर काम करते हो वैसे ही एक पेन टैबलेट में आप पेन टैबलेट पर बनाते हो लेकिन स्क्रीन में देखते हो और स्क्रीन में काम करते हो यानी कि अगर मैं पेन यहाँ पर मूव कर रहा हूँ जैसे माउस मूव कर रहा हूँ पेन यहाँ मूव कर रहा हूँ लेकिन देख रहा हूँ स्क्रीन के अंदर एंड वैसे बना रहा हूँ ऑल सो so अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया बेसिकली ये पेन यूज करूंगा मैं और इसको यूज करके स्केच बनाऊंगा ठीक है डिस्प्ले टैबलेट पे काम कर रहा हूँ तो डायरेक्टली डिस्प्ले पर ड्रॉ कर रहा हूँ लेट मी गो हेड एंड श्राइन मेक द शेप फॉर द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू ओके इस तरह से एक रफ स्केच बना लिया ओके okay? एंड um, इसके नीचे बॉडी के लिए एक और शेप बनाई पैरों के लिए दो और शेप बना दिए ठीक है ऑल ऑफ दिस आई एम डूइंग ऑन अपरेट लेको स्केच लेयर को अगर मैं हाइड कर दू तो ये छुप जाता है यानी कि उस लेड हो जाता है ओके okay? सिर्फ वो हाइड हो जाता है All right. so, इसको हाइड कर दिया तो टोटली हाइड हो गया वापस से विजिबल कर दिया तो दिखने लग रहा है बैकग्राउंड उसी तरह रहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑल राइट नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ और डिटेल्स है जो मैं ऐड करने वाला हूं जो इस कैरेक्टर के स्पेसिफिक डिटेल्स हैं ठीक है आई थिंक आप लोग पहचान लोगे हुए बी टी एस आर्मी आप लोग पहचान लोगे कि मैं क्या बना रहा हूँ है ना वॉट इज दिस कैन एनी बडी टेल मी कॉमेंट्स में बता सकते हो ये क्या है कॉमेंट्स में बता सकते हो सब्सक्राइब टू ए वन टेक मैं कॉमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ आप लोग के हाँ अभी बीच में मैं कॉमेंट्स पढ़ूंगा ब्रेक लूंगा थोड़ा सा फिर से वापस बातें करेंगे वॉट इज दिस वॉट इज दिस आप लोग अगर बी टी एस आर्मी हो तो जान जानते हो गए ये क्या है है ना जैसे पेंसिल से बनाते हो जैसे पेन से बनाते हो पेपर पे जैसे ड्रॉ करते हो वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जस्ट यूज कर रहा हूँ इस पेन का और इस सरफेस पे बना रहा हूँ रादर देन यू नो डायरेक्टली वर्किंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर तो जैसे आप पेंसिल या पेन पे ड्रॉ करते हो वैसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो uh, फर्क सिर्फ इतना है जैसे कि ये लेयर को छुपा दिया तो छुप जाता है आप रियल कैनवस पे वो नहीं कर सकते एक पेपर पे बना रहे हो तो पेपर पे बनाते हो उसको एरेज करते हो बट डिजिटल पेंटिंग में क्या कर सकते हो आप इसको मूव भी कर सकते हो ये मूव टूल है यहां पर इसको लेकर आप ऐसे इस तरह से मूव भी कर सकते हो है ना यस yes? ऐसे कर सकते हो आप नाउ लेट मी शो अनदर थिंग इसके ऊपर नाउ अलग अलग लेयर्स में और बना रहा हूं सो so, सबसे पहला लेयर ये बन गया ठीक है इसके ऊपर एक और लेयर बना दी मैंने अब तो ये लेयर पहले वाले लेयर से अलग है और उस पर अगर जो भी मैं पेंटिंग करूंगा वो उस लेयर पर ही रहेगा जैसे लेयर वन पर ही रहेगा इस वाले लेयर पर नहीं जाएगा है ना तो इस वाले लेयर को टैप किया मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया अब आप देख सकते हो अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूं जैसे कि एक हार्ट बनाता हूं यहां पर ये किसका कैरेक्टर है कैन एन बिल टेलमी बीटीएस आर्मी किसका कैरेक्टर है वैन ज बी टी ट्वेंटी वन करेक्ट बी आर्मी विल हैव अ लॉट ऑफ फन बिकॉज मैं उनके फेवरेट कैरेक्टर्स बना रहा हूँ आज बाकी जो भी आप बिगिनर्स हो डिजिटल पेंटिंग में आप स्टिल देख सकते हो ना आप सीख सकते हो क्या कर रहा हूँ मैं है ना नस yes. अगर आप डिजिटल पेंटिंग सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने अभी आप लोगों के सामने जो पिंड कॉमेंट है उसमें अपना मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है गो हैड एंड ज्वाइन दैट और अपने उस उस पर आप सब्सक्राइब कर लो यानी कि सब्सक्राइब का मतलब क्या रजिस्टर कर लो सारी वर्ड्स एकदम कन्फ्यूजिंग है यार <laughs> जाओ उसमें रजिस्टर कर लो तो आपको एक ई मेल आएगी पच्चीस तारीख को ट्वेंटी फिफ्थ को आई एम डूइंग अ सेशन वेर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं राइट right? वो चीज़ें मैं आपको बात आपके साथ बात करूँगा ट्वेंटी फिफ्थ को अगर यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम मी ठीक है बेसिक्स दिखा रहा हूं अभी अभी बेसिक्स सीख लो सो um, so ये स्केच वर्क हो गया तो देखो जैसे कि ये वाला स्केच जो था ये इसके ऊपर है यानी कि एक लेयर ऊपर है इसके यस yes? और बाकी जो ये था ये इसके नीचे है राइट right? दोनों अलग लेयर्स हैं है ना तो मिक्स नहीं होता है अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली लेयर को मूव करना चाहूँ अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली लेयर को मूव करना चाहूँ तो उसी को मूव कर सकता हूं ये भी एक आसान तरीका है है ना संध्या रेड्डी इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आई नो हाउ मच यू लव बी टी एस आई नो यू गाइस आर सो यू नो पैशनेट अबाउट बी टी एस तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि आज आप लोगों के लिए बी टी एस बना देते हैं किसी ने रिकमेंडेशन दिया मैं, वे uh, nice जो भी points सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को है ना नाउ um, इसके ऊपर मैं आँखें दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर आई एम डूइंग मोर स्केचिंग मोर डिटेल स्केचिंग से आँखें ऐड कर दी ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम एडिंग द आईब्राउज़ एज वेल सो आईब्राउज़ ऐसे हैं ओके एंड देन माउथ जो कि यहाँ पर ऐड किया हुआ है ओके okay. इसके ऊपर अगर लाइट चमक रहा हो तो मुझे बता देना यार प्लीज़ विथ माई डिवाइस रियल मी सी टू यार अगर आप uh, मोबाइल पे करना चाहते हो ना तो देन ऑल्सो यू कैन डू इट मैं जो बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं आप अगर मोबाइल पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप क्योंकि मोबाइल uh, पे भी एप्लीकेशन्स आती हैं जैसे आई पेंट हैं टेक्निक्स वही रहते हैं mm, आप लोग कई बार मुझे ये पूछते हो कि कौन से एप्लीकेशन पे किया कौन से एप्लीकेशन पे बनाया बट इन रियालिटी द थिंग इज़ दैट जो लेयर्स का स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है जैसे ये लेयर एक हो गई दूसरा लेयर ये हो गया और उसके अलावा अगर आप लोग ये क्या हो रहा है यार भाई लेयर्स स्ट्रक्चर आई डोंट नो व्हाई बार बार पावर डिस्कनेक्ट हो रहा है घर पर आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच फ्लक्चुएट कर रहा है सब कुछ चमकना मत चमक रहा है अब मैं उसे भूल जाता हूँ यार वो चमकता ही रहेगा आई थिंक आज एनीवेज <laughs> तो इसके बाद दूसरा एक और कैरेक्टर तीसरा एक और कैरेक्टर बनाते हैं उसको अलग लेयर पे बना रहा हूं वापस ओके लेट्स सी अगर यहां पर एक और कैरेक्टर ऐड कर दें हम माय गॉड क्या हो क्या रहा है यार वाई सो मेनी टाइम्स इतनी बार क्यों हो सकता है ये लेट मी लेट मी डू इट या फिर बंदी कर दू डिस्ट्रैक्ट कर रहा नहीं बार बार चमक चमक एनीवेज आप देख सकते हो कि uh, मैंने एक और शेप बनाया दूसरी लेयर पर इन सब के ऊपर एक और लेयर बनाया और इसके साथ आई एम डूइंग सम यू नो बॉडी पार्ट्स एज वेल बॉडी पार्ट्स ऐड कर दिए दिख रहा है आप लोगों को ना आई होप यू गाइस आर एबल टू सी इस पर बेसिक शेप्स ऐड करने के बाद इफ़ आई add सम मोर फाइनर डिटेल्स लाइक दिस यानी कि बॉडी के शेप के लिए इनके कैरेक्टर्स के नाम बताओ यार आ, आ, आर्मी ई डोंट यू टेल मी वॉट द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज इसके ऊपर कुकी था क्या नहीं कुकी इज नॉट दिस कूकी नहीं है ये दिस इज नॉट कुकी कुकी बनेगा कुकीकी भी बनेगा हु इज दिस आई वॉन्ट टू गैस बी टी एस आर्मी हैज गैस कौन है ये हाँ यस टाटा इससे पहले था ना कई लोग आप काफ़ी टाइम से ही मुझे बी के कैरेक्टर्स के बारे में रिक्वेस्ट आई थी बहुत टाइम से एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग इट बट मौका नहीं मिला आज सोचा कि मैं चलो आप लोगों को बेसिक्स भी सिखा दूँ उसके साथ साथ ये कैरेक्टर्स भी बना देते हैं कलरिंग का भी मैं दिखाऊंगा आपको इजी टेक्निक्स क्या है कैसे कलरिंग कर सकते हो एंड बेसिकली uh, क्या होगा कि उसमें आप Um, एक लेयर पर नहीं और uh, एक एक चीज को अलग अलग से कलर नहीं करोगे आप एक ही बार करोगे और अच्छे से सिंपल तरीके से कर लोगे है ना यस यस दट्स राइट दट्स राइट आई एम सीइंग द कमेंट्स कमिंग इन इसके कान भी हैं यहाँ पर हाउ क्यूट इज दैट एनी वे सो ये जो भी मैं अभी स्केचिंग कर रहा हूँ आप देख सकते हो कि ये बहुत क्लीन नहीं है इट्स वेरी रफ इट्स वेरी रफ है ना और uh, यहाँ से अगर मैं इससे पहले वाला जो स्केच था वो इसके सबसे नीचे है राइट बी ट्वेंटी वन वाला और ड्रॉ गंगा फ्रॉम कर्मा चक्र प्लीज वरना पोके बॉल से मारूंगा आपको रवि भनवर योर बैक क्यों मारना चाहते हो यार मुझे प्लीज डू नॉट हिट मी एनीवेज लेट मी गो हेड एंड मेक अनदर वन अभी मैं एक और करता हूँ वन मोर आई मेक स्वेट कर रहा हूँ ना पूरा पावर कट चल रहा है थिंक इज़ अ पावर कट राइट नाउ और हम लोग इन्वर्टर पर हैं अभी एनी वेज um, मैं आई थिंक थमनेल इसका चेंज कर सकता हूँ बी टी एस कैरेक्टर्स है ना विद ड्रॉइंग बी टी एस कैरेक्टर्स सो ये एक और कैरेक्टर है दिस इज दिस इज ये कौन है आई वॉन्ट यू गैस टू बी गैसिंग ओपी इन द चैट आर है ठीक है सो ये uh, अभी के लिए आई एम कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल एंड लूज आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी क्लीन इसके बाद हम लोग जब लाइन वर्क करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हो एंड दैट इज गोइंग टू मेक इट मच मच यू नो क्लीन एंड क्रिस्प फॉर यू ओके इसके नीचे ये वाली लाइन भी मिटा देते हैं तो ये पीछे से छुपा आ रहा है नो दिस इज़ नॉट कुकी आप कुकी ही बता रहे हो येस yes. कुकी आएगा कुकी आएगा सम समबड़ी इज़ अ बिग फैन ऑफ जॉन्ग कुक है ना कुकी को बनाएंगे अभी देखो हियर इट इज़ सो सी जितने भी कैरेक्टर्स मैं बना रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर्स आई एम मेकिंग ऑन डिफरेंट लेयर्स राइट आई एम मेकिंग ऑन डिफरेंट लेयर्स आई एम नॉट मेकिंग देम ऑल ऑन द सेम लेयर आई एम कीपिंग देम डिफरेंट एंड जैसे कि ये बैकग्राउंड में ये एक और लेयर अलग है है ना ये एक लेयर पर है ये एक लेयर पर है ये एक लेयर पर है आई होप आप लोग को अब समझ में आ रहा है हु एवर इज़ न्यू है ना आप सलमान सर से कैसे मिले फुल स्टोरी बताओ बताता हूँ बताता हूँ जब समय आएगा तब बताऊँगा बिकॉज दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज प्रॉपरली मैं फुल डिटेल के साथ बताऊँगा यार जैकलिन फर्नांडस uh, से मिला था मैं एंड सलमान uh, जी से भी मिला था एंड दैट हैपन्ड इन अ फेयरली अनएक्सपेक्टेड मैनर मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे मिलने का मौका मिलेगा एंड दैट एंड इट सुपर सुपर स्पेशल एंड ऑब्वियसली वेरी मेमोरेबल बताऊंगा मैं उसके बारे में पूरी कहानी अच्छे से बताऊंगा डोंट वरी अभी अलग अलग आई वॉन्ट सी कोया कोई सी कोया आएंगे आएंगे सारे आएंगे सारे आएंगे डोंट डोंट वरी वरी ऑल ऑफ देम आर हियर राइट नाउ ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अगर आप स्केचिंग करते हो पेपर पेंसिल पे पेपर पर पेन से या इन वट वे देन इफ यू वांट टू लर्न एंड डू डिजिटल पेंटिंग देखो कि तरीका वही रहता है यार अगर मैं लाइंस बना रहा हूँ स्केचिंग कर रहा हूँ जैसे आप करते हो वैसे ही करते हो ऐसा नहीं है कि कोई एक एप्लीकेशन आपने ले लिया उसकी वजह से आपका आर्ट अच्छा हो जाएगा आपको सीखना है कि आर्ट कैसे अच्छा बनाना है पहले तो यू विल बी यूजिंग डिजिटल पेंटिंग में जो टूल्स हैं वो सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप ही अच्छा होने लगेगा है ना एनी वेज सो यू हैव टू लर्न द बेसिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे करना है सेशन के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे यार मैंने वापस अभी बोला थोड़ी देर पहले फिर से बता देता हूँ हु एवर वॉन्ट्स टू जॉइन द मास्टर क्लास गो जॉइन इन द डिटेल्स आर इन द लिंक दट आई शेयर वन मोर कैरेक्टर वन मोर कैरेक्टर मास्टर क्लास जॉइन है ट्वेंटी फिफ्थ को आ जाऊँगा देन टीच मी यस प्लीज जॉइन प्लीज डू जॉइन डिटेल्स आपको आ जाएंगी ई मेल पर उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कब सेशन कहाँ पर सेशन एंड ऑल दैट जाओ डिटेल्स भर दो अभी um, and I will also uh, talk about things beyond just art. उसके अलावा और चीज़ें भी बात करेंगे आप शू की बनाओ <laughs> Who is this? Who is this character? Tell me. Who is this? Who's 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 this? Who's this? कौन है ये रेक्टर ड्रॉ ऑफ बी टी एस प्लीज देख रहे हो ये क्या बन रहा है वही सारी चीजें बन रही हैं एग्जैक्टली exactly जो आप पूछ रहे हो डैट एग्जैक्टली वॉट वी आर ड्रॉइंग बी टी एस कैरेक्टर्स ही ड्रॉ कर रहे हैं है uh, सारी अभी आपको जो भी दिख रहा है ना वो सारा शायद uh, बिल्कुल रॉ लग रहा हो या फिर क्लीन नहीं है ऐसा लग रहा हो है ना बट जब आप इसको कलर करोगे लाइन आर्ट बनाओगे उस टाइम पे जाकर इसमें थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड करोगे आ, या फिर थोड़ा रिफाइन करोगे जिससे कि ये काफ़ी इम्प्रूव्ड लगेगा है ना नाओ सी आम एडिंग अ बॉडी फॉर द कैरेक्टर एज वेल ओके आप लोग कई सारे मुझे मैसेज करते हो कि आपसे डिजिटल पेंटिंग सीखा है आपसे ही uh, सीख रहा हूँ जो भी सीख रहा हूँ तो आई थॉट वाई नॉट मेक इट इन अ वे दैट इवन बिगिनर्स जिन्होंने कभी भी डिजिटल पेंटिंग नहीं किया हो वो भी कर सकें है ना अभी मैं फोटोशॉप पे पेंट कर रहा हूँ यार आई एम पेंटिंग ऑन फोटोशॉप और आपको शायद साइड में दिख रहा होगा कितनी सारी लेयर्स मैंने बना रखी हैं हर लेयर uh, अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की अपनी अपनी लेयर्स हैं लेट मी या भाई मेरा नाम लो है मास्टर क्लास में एल ओ एल चिमी फुल दिवाली सीन्स आज तो पूरा एम्बेरेस करके रख दिया यार इन लाइट्स ने तो अच्छा कितने अच्छे से माहौल बना के बैठा था मैं एनी वेज कोई बात नहीं होता रहता है दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू डील एनी हाउ ये होता रहता है एफ 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 इन द कामेंट गाइज एफ स्ट्रीम चैट चैट में एफ स्ट्रीम टाइप करो एफ स्ट्रीम क्योंकि पूरा ही हुआ है सब कुछ शुरुआत से ही बिकॉज आई आई कम टू दिस डिफरेंट प्लेस यहाँ पे सेटिंग वगैरह चेंज किया है आई हैड टू चेक दिस थिंग्स बट आई टोटली फॉगर्ड अबाउट चेकिंग ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अपना लाइट का क्या हुआ लाइट का नहीं सॉरी मोर इम्पोर्टेंटली जो माइक का क्या हुआ शुरुआत <laughs> से ही माइक क्या बॉम्ब हुआ यार माई गॉड एनी वेज आप किसी को बना रहे हो बताइए यार ये देर आर कैरेक्टर्स ऑफ द बैंड बी टी एस अगर आप बी टी एस को जानते हो तो शायद आप पहचान पा रहे हो ये कैरेक्टर्स को अगर आप बी टी एस को नहीं जानते हो तो शायद नहीं पहचान पा रहे हो बी टी एस इज़ अ कोरियन बैंड जो के पॉप म्यूजिक बनाते हैं काफ़ी फेमस हैं उनके जितने भी बैंड के मेंबर्स हैं उन सबके कैरेक्टर्स हैं ऐसे एंड uh, उनको बना रहा हूं मैं अभी है ना एंड नाउ फाइनली वी हैव अनदर वन ये कौन है बताओ अब जो बना रहा हूँ वो कौन है बताओ हु इज दिस टेल मी मेक अ चिबी हीरो विथ एनी वेपन ऑन इट्स बैक करेंगे यार हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ किया हुआ है छिबी स्पेस में आप देख सकते हो चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है उसके मामले में आप लोग क्या देखना चाहते हो अच्छा ये बताओ मुझे डू यू लाइक लाइव स्ट्रीम्स डू यू लाइक थिंग्स वॉट यू कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज लाइव स्ट्रीम और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो दोनों में से क्या पसंद है लाइव स्ट्रीम्स करना चाहिए हमें या फिर uh, वो करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज करने चाहिए वॉट डू यू लाइक मोर हाँ सुम्या शाइमा दोनों अपने में मस्त हैं बोथ <laughs> नहीं नहीं आप लोग जो बोलोगे मैं दूसरा बंद कर दूंगा इफ यू डू ओनली लाइफ स्ट्रीम डू लाइव स्ट्रीम ओनली इफ इफ यू से ट्रांसफॉर्मेशन देन विल डू ट्रांसफॉर्मेशन ओनली बताओ कोया यस यस दोनों तरफ आ रहा है uh, क्योंकि ये सोच रहा था आप लोगों से मैं बात करना चाह रहा था इस मामले में मैं बेसिक्स जो भी आपको सिखा सकता हूँ वो काफी सारी स्ट्रीम्स ऑलरेडी कर चुका हूँ है ना डिजिटल पेंटिंग रिलेटेड जैसे आज भी मैं बेसिक्स पे जा रहा हूँ वापिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गेट स्टार्टड कि आप कैसे डिजिटल पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हो और जितने भी ऑलरेडी जो स्ट्रीम्स हो चुके हैं उनमें आई थिंक स्पेस वाला किया है लैंडस्केप किया है एंड वी हैव डन कैरेक्टर स्केचेस वी हैव डन फुल कैरेक्टर आर्ट एज़ वेल एक स्ट्रीम में तो मैंने पूरे के पूरे डिजनी कैरेक्टर बनाई थी तीन घंटे की चार घंटे की ड्रैगन बनाया है सो लाइव स्ट्रीम पर आर्ट का आई एम थिंकिंग हाउ मच मोर कैन वी डू इन दिस फॉर्मैट है ना इफ एनी ऑफ द बोथ विल एंड विल मिस योर कॉन्टेंट ऐसा मत बोलो यार आई एम नॉट सेनी ऑफ दैट विल एंड आई एम थिंकिंग लाइव स्ट्रीम्स पर वॉट एल्स कैन वी डू वॉट वट डिफरेंट कैन वी डू क्योंकि जितना मैं आपको बेसिक्स सिखा सकता हूँ जो जो चीज़ें सिखा सकता हूँ आई थिंक ऑलरेडी दैट इज हैपनिंग एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट रेपिटेटिव ऑल्सो है ना वही चीज़ें बार बार रिपीट करके भी फिर मज़ा नहीं आएगा सो आई एम थिंकिंग वॉट एल्स कैन वी डू वॉट एल्स कैन वी डू आई हैव सम आइडियाज अबाउट गेटिंग अदर क्रिएटर्स दूसरे क्रिएटर्स के साथ भी हम आई थिंक स्ट्रीम पर बात कर सकते हैं साथ में कोलेबरेट कर सकते हैं हाउ एनी ऑफ यू नो हाउ टू डू लाइक किसी और के साथ साथ में पेंटिंग करें तो कैसे कर सकते हैं आपको पता है कोई और भी साथ में हमारे पेंट कर रहा हो ऐसे करना है कैसे कर सकते हैं हाँ थैंक यू अलका दीक्षित थैंक यू फॉर सेइंग दैट अलका दीक्षित इज सेइंग आई पर्पल यू थैंक्स अलॉट थैंक यू यस गाइस स्ट्रीम कब खत्म होगी मुझे टीवी देखना है यार मैं तो करीब डेढ़ घंटा दो घंटे के करीब स्ट्रीम्स करता हूँ यूजुअली समटाइम्स जब कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई टॉपिक हमारा लंबा चलने लगता है तो फिर हम बातें करते हैं काफ़ी देर तक बट आई थिंक आज का स्ट्रीम करीब डेढ़ घंटे का होगा अभी करीब पचास मिनट हो चुके हैं आई एम गोइंग टू यू नो शो सम थिंग्स अबाउट कलरिंग एज वेल कुछ कलरिंग भी दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं तो दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टूडे अभी तो मैं जो कर रहा हूँ देखो ब्रश से ही कलर कर रहा हूँ है ना वो तो एक तरीका हो गया

जो मास्टर क्लास जो लिंक डाला हुआ है ना वो फ्री है उसमें आ जाओ आप बिल्कुल बिंदास आ जाओ यस yes, काफी टाइम से बीटीएस का रिक्वेस्ट आया था सो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया नो मिक्स इट अप बिगिनर्स के लिए स्केचिंग वगैरह भी सीख सकते हो आप एंड वी कैन ऑल्सो कैन यू मेक इलास्ट्रेशन इन रियलिस्टिक वे दिव्यांश मलिक चैनल पर हैं इफ यू गो बैक कुछ लाइव स्ट्रीम्स लाइव स्ट्रीम्स वाला प्लेलिस्ट है ना उसमें देखोगे आप तो आप एक फुल ड्रैगन uh, वाला पोट पेंटिंग बनाया था फुली ऑन लाइव स्ट्रीम एक डिज्नी प्रिंसेस इन इंडियन स्टाइल बनाया था वो भी कंप्लीट लाइव स्ट्रीम है है ना एंड uh, देख सकते हो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी तो वॉट यू टॉकिंग अबाउट आई हैव डन ऑलरेडी प्लीज टी वी देख लो <laughs> yeah, बिल्कुल या बिल्कुल बिंदास या वो हैड सर एम चैलेंज यू टू डू ड्रा किरबी इन टेन सेकेंड्स क्या है ये अरे सर लाइव स्ट्रीम करो बहुत कंटेंट है मेरे पास हाँ <laughs> बताओ फिर क्या क्या कर सकते हैं तो मैं अभी क्या करूँगा लेट मी एक्सप्लेन नाउ ठीक है सारे के स्केचेस अलग अलग लेयर पर हैं ठीक है तो अब मैं एक नया लेयर बना रहा हूँ ठीक है एक नया लेयर बना रहा हूँ लेयर नंबर सेवन जिस पर मैं कलरिंग का काम करने वाला हूँ ठीक है हाउ एम ए गोइंग टू कलर एक तरीका ये है कि आप ब्रश ले लो सिंपली ब्रश लेकर उससे पेंट करो बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे पेंट कर लो है ना तो मैंने जो बेसिक शेप्स बनाए थे पहले उसके अंदर मैं कलर भर रहा हूँ अभी ठीक है आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल द कलर जो भी शेप्स बनाए थे उनके अंदर राइट right? um, अब ये जो स्केचेस हैं वो सारे अलग लेयर्स पर हैं ठीक है थीके? इसके ऊपर एक लेयर ये रहा इसके ऊपर एक लेयर इसके ऊपर एक लेयर है बट जो कलर वाला लेयर है जो वाइट कलर का लेयर है उस लेयर पर मैं सिर्फ कलर का, का काम कर रहा हूँ आई एम नॉट डूइंग एनी स्केचिंग उसमें कोई स्केचिंग नहीं है अभी एक और बात बताता हूँ अगर आप इस लेयर का अल्फा लॉक कर दो ये बटन देख रहे हो इसका मतलब होता है अल्फा लॉक करना इसको टैप किया आपने अल्फा लॉक हो गया ठीक है अब मैं जाकर इसके ऊपर इस तरह से एक पूरा एक साइड अलग कलर कर देता हूँ आई थिंक थोड़ा डार्क हो गया लेट मी मेक इट लिटल लाइटर अल्फा लॉक करने पे क्या होता है बेसिकली कि आप जिस लेयर पर काम कर रहे हो उस पर जहाँ पर पेंट है वहीं तक ही पेंट आता है उसके बाहर नहीं जाता डेविलो एड एंड टी वीर मैं थोड़ी रोक रहा हूँ आपको <laughs> ऐसे क्यों करोगे कोई ट्यूशन थोड़ी हैल्सो सी इसमें थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ मैं देख रहे हो जैसे मैं अगर पेंट कर रहा हूँ ब्रश भले इसकी बाहर जा रहा है लेकिन पेंट जो है इसके अंदर ही रहता है है ना पेंट बाहर नहीं जाता ओके okay? ना लेट्स गो टू अनदर लेयर जो ये लेयर है दूसरे कैरेक्टर का लेयर है उसके नीचे एक और लेयर बनाता हूँ मैं है ना उसके नीचे बनाया है ये लेयर अब इस लेयर पे भी पेंटिंग करेंगे कैसे करेंगे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कलर है कैरेक्टर का फिर जाकर इस तरह से उसके शेप पे पेंटिंग चालू कर देते हैं है ना जो जो शेप हमने ऑलरेडी बना रखी है उसके अंदर इस तरह से कलर भरना ईजी है ना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट सिंपल ईजी पीजी गाइज इज दिस इजी peasy? टाइप इजी peasy इन द comment सेक्शन इफ दिस इज इजी peasy. हाँ लेकिन मैं ये बता दूं कि आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है ब्रश को हैंडल करने में आप जैसे अगर पेंट करते हो अगर आपको डिजिटल uh, पेंटिंग कभी आपने किया नहीं है तो हो सकता है uh, कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी जैसे आप पेंट अप्लाई कर रहे हो तो शायद जहां चाहते हो वहां अप्लाई नहीं हो है ना ईजी पीजी आ रहा है कॉमेंट्स में आसम गई इस बॉडी के लिए भी कलर कर रहा हूँ मैं इसी लेयर पर कर रहा हूँ ठीक है सी वन थिंग सी वन थिंग एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो लेयर है ये जो लेयर है आम, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का टाटा है ना ये टाटा का कैरेक्टर जो है आम, उसका जो है वो इसके ऊपर है जो वाइट कलर वाला कैरेक्टर है बी टी ट्वेंटी वन जो है वो पीछे है है ना उसके ऊपर टाटा का कैरेक्टर है राइट ओके एंड इसके ऊपर फिर मैं एक और लेयर बना देता हूं और वो लेयर इस स्केच के नीचे बनेगा समझ रहे हो आप मैं अलग अलग लेयर्स इसीलिए क्रिएट कर रहा हूं कि एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करा सकूं जैसे कि ये लेयर नीचे है राइट right? ये लेयर नीचे है इसके ऊपर एक और लेयर बनाता हूं मैं है ना तो इसके ऊपर वाले लेयर पर मैं अब जाके कलर करता हूं इसे राइट एंड आई एम ओनली डूइंग कलर ऑन दिस लेयर इसके पीछे वाले लेयर्स जो भी हैं उनको अफेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कलर से है ना कोलेबरेट विथ आरजी बकेट लिस्ट बाई द वे आर जी वॉज आर जी कमेंटेड ऑन वन ऑफ द वीडियो आई थिंक अभी रिसेंटली उसने चेक किया था आई सॉ दैट कमेंट बट आई वांटेड टू रिप्लाई और डू समथिंग अबाउट इट जिस स्ट्रीम पे हमने आरजी का कैरेक्टर बनाया था आपको याद है यू रिमेंबर आरजी वाज देयर वन वन ऑफ द स्ट्रीम्स वी मेड अ आर्टवर्क उनका भी कैरेक्टर बनाया था हमने है ना उस पर उन्होंने कामेंट किया है यू कैन गो एंड चेक कूल है लेट मी गो हैड एंड कलर दिस वन अगेन तो इसका भी अल्फा लॉक कर दिया मैंने अल्फा लॉक करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कलर जो है बाहर नहीं जाएगी इस लेयर से तो वहाँ पर पेंट कर दिया जहाँ पर इनका स्कार्फ है राइट व्हाट एल्स इनके एजेस पर थोड़े से ब्राउन शेड्स भी हैं तो वहाँ पर मैं ब्राउन शेड्स डाल देता हूँ या बी टी एस आर्मी के पर्पल हार्ट्स नहीं आ रहे यार वेर आर द पर्पल हार्ट्स बी टी एस आर्मी वॉट इज द फेवरेट फूड वॉट इज दट फूड माइन इज ग्रेप्स यार मुझे लीची बहुत पसंद है लीची इज समथिंग दैट बचपन से मुझे बहुत पसंद रहा है बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मिलता नहीं है यहाँ पर एंड मैंगो ऑल्सो मैंगो आई लाइक बट लीची इज लाइक अमेजिंग लीची इज द बेस्ट देर इज नथिंग बेटर देन लीची Um, इस अभी हाँ टाटा के लिए आई थिंक येलो कलर का केप भी बनाना बाकी रह गया है तो मैं येलो पिक करता हूँ आउट मीनाक्षी अंशु आउट यू लिप्स के एरिया पे यहाँ पे येलो कलर रहता है यार हाउ क्यूट आर दीज कैरेक्टर्स माय गॉड इतने सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं और फिर भी बड़े बड़े क्यूट हैं ये डोगो देखा आप लोगों ने वोडोफोन डॉगो ओ माई गॉड सो मनी

वो रफ है वो क्लीन नहीं है इसके ऊपर आउटलाइन अलग से कर सकते हैं हम so, सो वो भी करेंगे ठीक है दैट ऑल्सो समथिंग दैट विल डू ये ऊपर वाला एक और कैरेक्टर हो गया अब इस कैरेक्टर के नीचे मैं एक नया लेयर बना देता हूं बनाकर इसमें इनका कलर जो है वो फिल कर देता हूँ ठीक है लेट मी गो हट एंड डू इट यस प्लीज रिप्लाई मी यस पांचल आर्यन आई एम रिप्लाइंग आप क्वेश्चन पूछो ना क्वेश्चन पूछो या कुछ बताओगे तब रिप्लाई करूंगा ना मैं ऐसी रिप्लाई कैसे करूंगा बताओ एट द फ्रंट नोज के पास ऐसा कलर है एंड इवन एट द बैक एक कलर कॉम्बिनेशन बड़े प्यारे बनाए हैं यार इन्होंने माय गॉड देर इज पर्पल एट द बैक हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रॉन बी कैरेक्टर्स खुद से आप लोगों ने कितने लोगों ने बनाए हैं मुझसे तो बनवा रहे हो आपने बनाया है क्या डू एनी ऑफ यू हैव मर्च आपके पास मर्च है बाई एनी चांस मैं कुछ दिखाऊं मैं कुछ दिखाऊं? फॉर द आर्मी फॉर द बीटीएस आर्मी एक मिनट रुको। नई जगह पर आए हैं ना यहां पर कुछ चीजें हैं अपने पास see this you see what that is the are you able to see army i want you guys to see whether you are able to recognize this dikra न यू सी दैट दिख रहे हैं दिख रहे हैं कैन यू सी दैट आई होप यू दाइर एबल टू सी दीज आर पोस्टेड दे आर ब्रांडेड बाई क्या कहते हैं बी टी एस कैरेक्टर्स ये देखो कोया एंड चीमी देख पा रहे हो हाय देर इज मोर देर इज मोर पोस्टर्ट्स और भी कोया और भी है आर्मी इज लू लूजिंग देअर माइंड राइट नाउ चिमी पोस्टर्ट्स मोर ऑफ देम दिख रहा है सो ऑल ऑफ दिस इज लाइंग अराउंड अभी तो फिलहाल भैया आपने बोला था मेरा चैनल देखेंगे अरे शिट यार हर्षित आई विल सी दैट आई विल सी आई विल सी पूरा पूरा भूल गया पता है कंप्लीटली आई फॉरगॉट आई थिंक आप लोगों ने इससे पहले भी uh, एक वीडियो देखा होगा बहुत शुरुआत में मैंने एक uh, वीडियो बनाया था <laughs> शिमरिंग न्यूज आई एम जेलस आई हैव अ प्लशी ऑल्सो आई मतलब वी हैव अ प्लश कुकी वाला इट्स नॉट हियर राइट नाउ बट आपने वो वीडियो में देखा होगा यस हेलो वेंकी हाय हाय पीएम सॉक्स सर क्या ड्राइंग है यार ये जो है बीटीएस के कैरेक्टर्स हैं ये आर्मी कैन एनी बडी एक्सप्लेन आप लोग जो भी बी टी एस आर्मी है कैन एनी बडी टेल व्हाट दीज आर ये क्या चीज़ें हैं जो मैं ड्रा कर रहा हूँ यार बेसिकली ये कोरियन म्यूजिक स्टार्स हैं जिनका नाम है बी टी एस एक बैंड है काफ़ी पॉपुलर हैं वर्ल्ड फेमस एंड उनके जो आ, सारे मेम्बर्स हैं उन सब के अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं उन्होंने और वही मैं बना रहा हूं फुल आपने मेरा कमेंट पढ़ा फाइनली आपने मेरा कमेंट हाँ हाँ यार मैं मिस नहीं करना चाहता मिस हो जाता है कभी कभी बीच बीच में कमेंट्स मैं नहीं चाहता किसी का भी कमेंट मिस करो आप लोग आते हो कमेंट मतलब स्ट्रीम uh, पर आते हो इतना प्यार uh, दिखाते हो मेरे काम को तो आई रीड योर ना हियर इज कुकी कुकी ए जॉन्ग कुक जॉन्ग कुक का मैंने वो बनाया था यार uh, इन वन शॉर्ट वीडियो जॉन्कोक का पूरा कैरेक्टर बनाने का ट्यूटोरियल था और उसी में प्लस भी था फिर से फिर से चमकेगा दिवाली सो मच टूडेस यस फ्रॉम विच स्टेट यू आर वैशाली संद आई एम फ्रॉम हैदराबाद बेसिकली बट यार मैं बंगाल में पला बड़ा हूँ मैं बचपन मेरा पूरा बंगाल में बीता है और लेट्स गो हैड टू छीमी छिमी के नीचे भी एक नया लेयर बनाते हैं बनाकर उसको भी कलर करते हैं तो हाँ तो मैं बंगाल में पला बड़ा हूँ इसकी वजह से मैं हिंदी अच्छे से बोल लेता हूँ और क्या कहते हैं इंजीनियरिंग मैंने रायपुर से की तो वहाँ भी रह चुका हूँ मैंगलोर में भी पढ़ाई सॉरी मैंगलोर में जॉब करता था मुंबई में जॉब करता था अलग अलग जगह पे रहा हूँ एक so like, अलग अलग जगह और लोगों के साथ मिलने की वजह से मेरा एक्सपोजर अच्छा हो गया वैसे उसके से. कोई कोड में रहा था कोई कोड में एम की पढ़ाई की सो या सो अलग अलग स्पेसिस में आई एम बेंगोली लॉल भाई लाल रूपांजना तुम्हें बांग्ला तो इसमें लॉल क्या है <laughs> अच्छी बात है यार मैं एक्चुअली मेरे घर पे ना ये बहुत पहले मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी बट अगर आप लोग नए हो तो मैं बता देता हूँ मेरी फैमिली में बंगाली कल्चर का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है क्योंकि हम लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे थे तो मेरी आ, घर पे जो लेडीज़ हैं वो आ, शाका पोला जो बोलते हैं ना रेड एंड वाइट बैंगल्स वो भी पहनती हैं और आ, घर पर बेंगाली क्विजीन भी बनता है सो या सो दैट्स ऑल्सो पार्ट फार मैं आंध्रा से हूँ, मैं आंध्रा ही टू ऐसे uh, well, have have bias, ना? <laughs> मैं कर रहा हूँ सी देखो एरेजर इज अनदर टूल विच यू कैन यूज टू वेरी इजिली क्लीन थिंग ओके कोया के लिए भी बना देते हैं यार कोया का भी कलर करते हैं वेट कोया के लिए नया लेयर बनाया उसके सी ऑल ऑफ देम हैव हैव डिफरेंट लेयर्स। इंजीनियरिंग यू डन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पता नहीं क्यों किया था आई डोंट नो सी इन अ वे आई वॉज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस मुझे कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था बट फॉर सम रीज़न ऐसा होता है ना कि आप एग्जाम uh, अप्लाई करते हो एंड देन यू गो गेट अ पर्टिकुलर स्ट्रीम बिकॉज रैंक आपका कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते हो एंड देन यू गो हेड एंड जॉइन द कॉलेज कि बहुत बढ़िया कॉलेज है एंड एवरी थिंग एंड देन लेटर यू रियलाइज कि ये क्या कर दिया मैंने <laughs> मेरे अंदर का आर्टिस्ट है उसका उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं तो देन आई लाइक अभी छोड़ो ये सब फिर वापस जाके कुछ और करते हैं एंड देन आई अटेंडेड माई एम बी वो सब किया तब जाके रियलाइज हुआ कि यार जहाँ भी जाओ नौकरी वोकरी करने का वही पॉइंट है एट द एंड ऑफ द डे देर इज who's your बॉस एंड uh, <laughs> वही मतलब आपका डिसाइड करता है आपकी लाइफ कैसे होने वाली है सो आई यूज जस्ट लाइक ठीक है अब हो गया ये सब मुझे ये नहीं करना है आई वॉन्ट बी एन आर्टिस्ट एंड आई क्विट एवरी थिंग मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड देन एम लाइक लेट मी गो एंड डू आर्ट फुल टाइम अब मैं आर्टिस्ट बनेगा एट एज ट्वेंटी नाइन आई डिसाइडेड कि मुझे आर्टिस्ट बनना है वॉर अ बोल्ड डिसीजन इट इज एक्चुअली अ वेरी स्टूपेड डिसीजन की कौन करता है यार ऐसे कौन करता है ऐसे आई ओनली थिंक नो बट आई हैव टू टेल यू आई हैड अ प्लान इन माइंड ब्रॉडली कि क्या क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ये सब करने के बाद देन यू रियलाइज ना कि अच्छा ओके okay, ये करना चाहिए ये कैसे करना चाहिए एंड ऑल दैट सो अब ये सारी चीजें बन गई अब इनको मैं लाइन वर्क बनाने वाला हूँ ठीक है अनुष्का पांडे इज संग आई कैन स्पीक कोरियन कम ऑन आपका नाम अनुष्का पांडे है एंड आप बोल रहे हैं आप कोरियन बात कर सकते हो मुझे मुझे कुछ कुछ चीजें पता है जो बेसिक होती हैं यार क्या हो गया मेरे लाइन वर्क को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहा हूँ मैं मोर और लेस आई कैन क्लीन इट अप से ये सब कुछ मैं अलग लेयर पे करता हूँ मैं आपसे बातें करता रहता हूँ एंड आई विल बी डूइंग दिस सो यू कैन आस्क मी स्टोरीज ऑफ माय लाइफ एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट वट इज गोइंग ऑन सो या तो फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न पेंटिंग गुड क्वेश्चन मैं एक्चुअली बंगाल में यार संडे संडे क्लासेस होती थी ना uh, जैसे वन एवर लेक इन यूर इन स्कूल एंड ऑल तो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे पेरेंट्स मतलब स्पेसिफिकली माई डैड यूज़ लाइक संडे क्लासेस होती हैं uh, मेरे घर के बगल में भैया दो थे वो लोग जाते थे रेगुलरली एंड uh, तो उनके रेकमेंडेशन में उन्होंने बोला कि ऐसे क्लासेस हो रहे हैं सर आ रहे हैं भेजो सोनू को भेजो मेरा नाम एक्चुअली घर पर सोनू है मुझे सोनू बोलते हैं तो सोनू um, को भी भेजो करके तो देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड वंस आई वेंट इनिशियली तो यार मेरा ऐसा था कि नहीं करना है मुझे यू नो वाई द टूपिड रीजन और ये भी मैं बता चुका हूँ स्ट्रीम पर बट फॉर दोज ऑफ यू आर न्यू मैंने बोला कि मुझे संडे संडे आई वॉन्ट टू वॉच ऑड इज दैट जंगल बुक मुझे जंगल बुक देखना है मैं नहीं जा रहा ये सब ड्राॅइंग क्लास वाइंग क्लास बकवास है इट्स ऑल यूजलेस आई डोंट वॉन्ट एंड फैमिली इज लाइक चुप कर जा एंड आई लाइक ठीक है जाता हूँ वो मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था देन उसके बाद टिल टेंथ स्टैंडर्ड रेगुलर संडे संडे सेशन होने लगी मतलब ऐसा था मतलब टेंथ स्टैंडर्ड तक सीधा सीधा पहुँच गया मैं बट uh, बीच में पार्ट ये है कि मैं सही में काफ़ी इंटरेस्टेड होने लग गया था कि मुझे मज़ा आने लग गया था बेसिकली तो दे डेंट टू टेल मी कि तुम करो मैं खुद ही करने लगा एंड आई यूश टू स्पेंड टाइम खुद करता ही था संडे क्लासेस तो होती थी और उसके अलावा मैं भी खुद बनाता रहता था एंड uh, हुआ ये येस यस आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी बडी ओके मैं कहानी बताते बताते आपको uh, बीच बीच में कॉमेंट्स भी पढ़ूंगा मैं डोंट वरी सो हुआ ये कि uh, फिर वही यार इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बोलते हैं ना कि कर लो अच्छा है फ्यूचर स्कोप मस्त लाइफ जिंदगी सब सेट एंड ऑल सो उसी रास्ते पे निकल गया मैं फिर आर्ट ऐसा था कि बगल में करता रहता था वन एवर आई हैड टाइम वेनवर आई फेल्ट लाइक इट वेन एवर आई वॉज लाइक हैविंग सम टाइम टू डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू तो तभी मेरे, मेरे दिमाग में तो हमेशा पेंटिंग ही आती थी फॉर सम रीज़न आई नेवर लेट इट गो इवन वेन आई वॉज डूइंग माई एम बी है उस टाइम पर भी मैं सोचता था कि कुछ तो आर्ट को लेके तो करना ही है क्योंकि आई डेंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दिस स्किल दैट आई हैड एंड मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग हैं जिनके पास मतलब ड्राइंग करने की स्किल है बट आप लोग को शायद ये बताया जाता है कि यार ये क्या ये कुछ फ्यूचर थोड़ी होता है इसमें आप ऐसा एज अ हॉबी कर लो आगे का देखेंगे फिर बाद में कुछ और कर लेना रियल जॉब लाइक इंजीनियरिंग या फिर पता नहीं लॉयर बन जाओ <laughs> मेरे मेरे प्रोग्राम में तो अभी देर आर देर आर पीपल हु हैव डन लॉ मत देर इज समी हुज़ डन देर आर नहीं देर इज समबड़ी हुज़ डन लॉ फॉर फाइव ईयर्स पाँच साल लॉ की पढ़ाई करके उनको अब रियलाइज हो रहा है कि वो नहीं करना है इमेजिन ऐसे कितने सारे यंग लोग हैं एंड आई एम नॉट दैट आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ठीक है आपको बेसिक पढ़ाई तो ऑब्वियसली अच्छे से डिग्री ख़त्म करना चाहिए बट आई एम सेग कि यार आ, द वर्ल्ड इज चेंजिंग द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड अलग अलग स्ट्रीम्स uh, के भी अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ um, हैं है ना? अगर आप कंटेंट का ही ग्रोथ देख लो तो टी वी स्पेस में या फिर एनिमेशन स्पेस में कितनी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं और कितनी सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं है ना तो अगर ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन बढ़ रहा है तो बनाने वाले भी बढ़ेंगे है ना उनका भी ग्रोथ होगा तो बेसिकली बात यह है यार कि जो टाइम पास के लिए ड्राइंग करते हैं और टाइम पास के लिए स्केचिंग करते हैं उन लोगों का और प्रोफेशनल्स का फर्क ये है कि उनके पास स्किल उतनी लेवल की नहीं होती कि उनको हायर किया जा सके यू नो वट आई मीन व्हाट्सएप रेस्पॉन्ड करो uh, कर दो यार प्लीज़ या आयुष आई विल चेक योर व्हाट्सएप आई एम सॉरी आई डेंट आई थिंक आई मिस्ड आउट मैं देखता हूँ सो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ यार कि देर इज अ अर्टन थ्रेश कि आपका स्किल अगर एक लेवल का हो जाए उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है बात यह है कि हमारे पास स्किल की कमी है लोगों के पास आ, या फिर जो भी आर्टिस्ट के आ, करियर में एंटर करना चाहते हैं आप पहले इतनी मेहनत तो करो कि आपका स्किल इस लेवल का हो जाए कि कोई आपको हायर करेगा है ना सो क्यूट नेम सोनू थैंक यू यार राजेश मकवाना यस आई बाबा आई एंटायर प्रोग्राम और उसी प्रोग्राम के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी मास्टर क्लास का लिंक आपको अभी मिल जाएगा पिंड है पिंड कॉमेंट है देख लो वहाँ पर जाकर आप कनेक्ट uh, कर सकते हो मेरे साथ एंड आई विल एक्सप्लेन एवरी थिंग दैट इज़ देयर इन माई प्रोग्राम सेशन में मैं एक्सप्लेन करूँगा सो दैट्स अ गुड प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट आप सेशन ज्वाइन करो मास्टर क्लास में आओ एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ सर हर्ड अबाउट लाइव टू डी सॉफ्टवेयर वॉट इज दैट लाइव टू डू सॉफ्टवेयर वॉट इज दैट शिमरिंग निप शाइमा थैंक यू सो मच रॉयल किंग सो या सो दैट दैट इज द स्टोरी ऑफ हाउ आई स्टार्टेड आर्ट और पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ लाइफ के फंडे देने लग गया आप लोगों को कैन यू कैन यू वे टाइप योर एज आप अपना एज टाइप करिए इन द कॉमेंट्स आई वॉन्ट टू सी कोई बात नहीं इफ यू आर समबडी हु सांभ वॉन्ट टू रिवेल इट्स ओके बट मैं किससे क्या बात कर रहा हूं ये भी तो मुझे समझ में आना चाहिए ना <laughs> कोई है जिसको बोर्ड एग्जाम देने और वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने क्योंकि उससे क्या फ्यूचर है <laughs> ऐसे नहीं चाहता मैं आप लोग एज टाइप करो अपना यस आई वॉन्ट सी वॉट एज ग्रुप एम टॉकिंग टू है ना यस ओके ओके राजेश मकवाना थैंक यू यार थैंक यू फॉर सेइंग दैट मतलब मुझे आई एम लाइक दिस ओनली मतलब आई डोंट नो आर यू नॉट फ्रेंडली विथ योर फ्रेंड्स राजेश मकवाना इज सेइंग दैट आई एम फ्रेंडली ओके नाइस नाइस थैंक यू आई एम सीइंग ऑल द नंबर्स कमिंग इन द स्ट्रीम सॉरी 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 क्यों लिख रहे हो क्या हो गया निदेश देर इर सो मेनी अनुष्का आर्मी ज अनुष्का आर्मी थर्टीन ट्वेंटी नाइस नाइनटीन आसम सी वाइट आएम ट्राइंग टू टेल यूज अगर आप लोग को इंटरेस्ट है ना मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग एज ग्रुप से भी हैं बट फॉर दोज ऑफ यू जिनको सही में इस चीज़ में इंटरेस्ट है पढ़ाई के साथ आप अपना स्किल डेवलप करते जाओ है ना जैसे कि मैंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ओके आई एम सींग ऑल द नंबर्स कमिंग इन थैंक यू पबजी सोर्स फॉर दैट थैंक्स अलॉर्ट कुकी एंड शुकी यस 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 हाँ सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी भी स्किल में मैं पेंटिंग और आर्ट की बात नहीं कर रहा लेकिन बंगाल में ऐसा मानते हैं कि हर किसी को किसी एक चीज़ में और भी इंटरेस्ट रखना ज़रूरी है पढ़ाई के अलावा सो so, बेंगाल में इट्स वेरी कॉमन आर्ट्स पे बहुत फोकस रहता है और uh, जैसे मैं जब वहाँ पे था तो एवरीबडी इन द फैमिली यूज टू हैव समथिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ स्टडीज कि बच्चे को या तो यू नो डांसिंग में रखाया डांसिंग के लिए भेजे या फिर समीजन टू सिंगिंग तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपको uh, एक स्किल में डेफिनेटली कंटिन्यू uh, करना चाहिए यू नेवर नो कल को पता नहीं यार आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आने लग गया यू नेवर नो अब कोई भी बहुत ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल कैसे होता है बताओ किसी भी करियर में मेहनत करनी पड़ती है दैट्स ऑल ना वॉट डिफ्रेंश यू फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट टू लाइक हुए इज़ नॉट डूइंग इट रेगुलरली हुए इज़ डूइंग इट रेगुलरली उनमें डिफरेंस यही आता है ना कि समबड़ी विल गो रियली फार बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में उतना ही है और कुछ नहीं है उप्स तो जिसमें आपका मन है उसको करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट बिकॉज यू लाइक इट है ना वो करते जाओगे ना ओवर द पीरियड आपको ही धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी कि सही में क्या ये एज अ करियर कंटिन्यू कर सकते हैं क्या फॉर नाउ फोकस ऑन स्टडीज पढ़ाई करो बट इसको छोड़ना मत वॉट एवर इट इज इफ इट इज आर्ट इवन इफ इट इज गेमिंग फॉर दैट मैटर अगर वो भी करना चाहो फॉलो इट आफ्टर यू हैव फुलफिल्ड बेसिक जो एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आपको पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे यार आई हैव टू टेल यू दिस लाइक मैं क्रिकेट बहुत खेलता था बचपन में एंड मस्ती बहुत करता था मैं आई वॉज़ नॉट लाइक ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ बुक्स और एनी थिंग कभी भी ऐसा नहीं था मैम अपने खेलते रहता था दून में रहता था एंड एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सीरियसली पढ़ता था एंड जस्ट दैट एंड आई वॉज़ डूइंग फेयरली वेल सो so, बोलने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में परस्यू करना है तो आपको अपने पेरेंट्स को खुश रखना है बेसिकली पहले तो उनको खुश कर दो कि यार उनको मार्क्स चाहिए या फिर अच्छे स्कोर चाहिए उसके बाद आप बोलो मेरे को यूट्यूब करना है बोलो आप मुझे आर्ट करना है बोलो आप मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है दे विल नॉट से नो वाई विल दे से नो उनको क्या प्रॉब्लम है आप ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई भी पोस्ट देख देख कर अगर टाइम पास कर रहे हो उसके बजाय अगर आप कंटेंट बना रहे हो विच इज यूजफुल टू अदर पीपल देन दे विल नॉट से नो टू यू है ना डू यू नो एस्ट्रो व्हाट एस्ट्रो, एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब आप एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हो क्या फ्यूचर बताऊं मैं आपको आपकी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम प्रोफेशनल इट इज सब्जेक्ट वे गुड क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो संबड़ी एक एक सो तो ठीक है मैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ आपको अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल बनना है फॉर इंस्टेंस अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो मैं अगर आपको पूछूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग बन, इंजीनियर बनना है तो कितना टाइम लगेगा राइट व्हाट वुड योर आंसर बी योर आंसर वुड बी कि पहले तो मैं स्कूल uh, कर लूँ उसके बाद कॉलेज कर लूँ कॉलेज में ग्रेजुएट कर लूँ ग्रेजुएट करूँगा तब जाके मेरे को डिग्री मिलेगी एंड वो इंजीनियर बन पाऊंगा जिस इंजीनियरिंग की मैंने डिग्री की होगी एग्जाम्पल बता रहा हूं अगर आपको लॉयर बनना है तो यू विल डू वट एवर इट रिक्वायर्स टू बिकम अ लॉयर उसका पाथ है कि आपको स्कूल करना है स्कूल के बाद डिग्री लेनी है डिग्री, डिग्री में फिर वही जो भी जो भी एक्सेट्रा 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 सिमिलरली क्या अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है तो क्या दो साल में बन जाओगे क्या नहीं होगा ना थिंक अबाउट इट यू हैव टू इन्वेस्ट द टाइम दैट इट डिमांड्स कुछ भी करने को, कोई भी करियर फॉर दैट मैटर तो आप इसको कैसे अलग मान सकते हो क्या इसके लिए फॉर्मल एजुकेशन लेना ज़रूरी है वो भी सोच सकते हो अगर आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हो एंड देन यू गेट इन टू अ पर्टिकुलर फील्ड वहाँ पर आपको फिर अपना नेम uh, एस्टैब्लिश करना है यू वॉन्ट टू डू गुड वर्क दैट पीपल रेकग्नाइज एंड देन उसके बाद आपको और काम मिलेगा उसके बाद और काम मिलेगा स्लोली स्लोली यू विल बिकम अ प्रोफेशनल है ना सो इट्स इट्स नॉट लाइक कि आर्ट है इसीलिए हल्के में लेना है या फिर कोई भी फील्ड हो कोई भी फील्ड हो जिसमें आप काम करना चाहो सिंगिंग करना हो डांसिंग करना हो यूट्यूब करना हो टाइम लगता है ना एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू यू वॉन्ट डू इट एट अ गुड लेवल एट अ प्रोफेशनल लेवल सेम थिंग एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई मेरा मानने का सी मैं ये मानता हूँ यार कि आपको उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आता है जैसे अगर मुझे कोई पे भी ना करे लाइक यू नो ऑनेस्टली ऑनेस्टलीफ हाइव टू टेल यू कि अगर uh, YouTube पर ही अगर uh, वीडियोस बनाना YouTube पर कंटेंट बनाना ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज आई लाइक डूइंग इट है ना मुझे मजा आता है आप लोगों के साथ बात करने में मज़ा आता है आप लोगों के साथ हैंग uh, आउट करने में अच्छा लगता है और मैं जो कंटेंट बनाता हूँ वो चीजें आपको अगर लगता है कि वो देख के अरे आई कैन ऑल्सो डू दिस और यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग दैट्स वॉट मेक्स मी फील अमेजिंग एंड दैट्स वे आई डू इट है ना तो जो मन करे उसमें टाइम इन्वेस्ट करो सी वेयर दैट टेक्स यू यस आठ सर आप मेरे को पिछले दो स्ट्रीम से इग्नोर कर रहे हो विष्णु आई एम नॉट इग्नोरिंग यू सो शेखरन वाले अकाउंट से विष्णु इज चैटिंग एंड विष्णु मैं बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं मैं बस मैसेज आपका मिस कर रहा हूं शायद फॉर सम रीजन कि उस टाइम पे शायद देख नहीं रहा हूं मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहता है ना यस मेरा आर्ट चैनल अजहान आर्ट प्लीज सी डेविल क्रिएशन आप टीवी देखने वाले थे वापस आ गए देखा मेरे को याद है कहाँ चले गए थे आप टीवी देखने जाने वाले थे मुझे टीवी देखने जाना है मुझे टीवी देखने जाना टाइप कर रहे थे आप मैंने बोला जाओ मैं मैं थोड़ी रोक सकता हूँ यार आपको अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो आप एंड यू आर बैक इंजीनियरिंग फाइव ईयर्स लॉयर एट ईयर बट एन आर्टिस्ट हंड्रेड ईयर ऑफ हार्ड वर्क आदर्श नहीं तो मैं तो मैं सौ साल का हूँ क्या यार मुझे बूढ़ा बोल रहे हो लेट ओपी गोल्डन फेदर इज लेट ओपी मैक्सिमम लेट ओपी डेढ़ घंटे के बाद आके अभी बोल रहे हो लेट ओपी यार ये बी टी एस के कैरेक्टर्स हैं इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आप अभी पहली बार ही आ रहे हो स्ट्रीम पर तो आपको थोड़ा सा डिसकनेक्टेड लग सकता है बट वापस से स्ट्रीम देख सकते हो स्ट्रीम पर तो ये रहेगा बीटीएस इज अ बैंड उनके कैरेक्टर्स हैं सिंपली ठीक है तो लाइन वर्क बना रहा हूँ मैं एम सी अनदर थिंग इज दैट यार uh, थोड़ा लॉन्गर होराइजन लेना भी ज़रूरी है इन देंस आपको थोड़ा लंबा सोचना ज़रूरी है कोई क्या, क्या आप uh, जैसे कोई भी अगर क्रिकेटर बन रहा है या फिर कोई भी अगर इट इज़ सो क्यूट थैंक यू सो मच थैंक यू कोई क्रिकेटर बनता है तो बचपन से प्रैक्टिस तो करता ही है बचपन से पढ़ता है या पढ़ता है इन देंस जो भी है उस स्किल में टाइम इन्वेस्ट करता है सीखता है राइट उसके बाद जाकर यार एक मैंने पुप्पू कर दिया यू नो वट आई डिड मैंने कोया का कैरेक्टर का कलर उसी लेयर पर कर दिया स्केच उसी लेयर पर कर दिया जिस लेयर पर वो उसका रफ़ बना हुआ था आई हैव मेड मैक्सिमम लेवल ऑफ पुपूस बट बात करते करते कर रहा हूँ ना पुपो पुपो ओपी गाइस पुप्पू ओपी इन कमेंट्स पुप्पू ओपी कर दो दा 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 दा। क्या बात कर रहा था मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया कोई याद दिलाएगा भैया देख लीजिए मेरा चैनल हाँ देखूँगा देखूँगा सर मैंने एक गोकू फिर चमक रहा है दिवाली फुल दिवाली सीन्स टुडे यस ड्रॉइंग टिप्स क्यों उसमें ही एनिमेशन होती है प्लीज बताओ क्या यस 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 आई नो लेट मी ट्राई एंड सी कहां पर मैंने मैक्सिमम पुपू किया है इनको मैं करेक्ट कर लेता हूं आई थिंक कोया को मिस्टेक किया था कोया में क्या किया पता है मैंने कोया का स्केच के ऊपर ही मैंने लाइन वर्क कर दिया पूरा का पूरा लाइन वर्क कोया का स्केच नरेज यस क्वेश्चंस गाइस आप लोग को जो भी जानना है आप क्वेश्चन भेज सकते हो आई कैन टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपको जानना है send questions whatever things you have in your mind can you sing uh <laughs> no yaar i'm not like a good singer i just uh, time pass mein jo bhi gaata hu gaata hu main like, मतलब ऐसा कि कोई stage वेज पे चढ़ के कभी गाने वाने का कार्यक्रम नहीं हुआ है हमारे साथ जस्ट मस्ती मजाक में जो भी है उप्स। सर मैंने एक कोकू बनाया है आप मेरे को प्लीज बताओ कि आई बिस पेंट में आउटलाइन के लिए कौन सा ब्रश अच्छा है हार्ड राउंड ब्रश होता है यार आई थिंक उसमें एक ब्रश होता है विच इज गोवा शोपैक मुझे वो ब्रश अच्छा लगता है शिमरिंग निप्स इफ यूर अराउंड यू कैन एक्सक्यूज मी प्लीज़ इज़ द ब्रश आई बिमिट पे कौन सा ब्रश अच्छा होता है और शाइमा बाय द वे डिड यू चेक द मॉड्यूल्स न्यू मॉड्यूल्स जो आए हैं चेक किया देखा डांस हाँ वो कर सकता हूँ मैं वो स्टेज पर किया है मौका मिलने की कमी रहती थी बचपन में मतलब मौका आया कि नहीं स्टेज पर चढ़ के नाचने लगता था मैं मतलब वो भी सॉरी वो भी बचपन में मतलब स्कूल में नहीं हाँ टू थिंक अबाउट इट स्कूल में नहीं था इंजीनियरिंग um, कॉलेज में जाके हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद हुआ ये सब वहाँ पे ही सारी बियड चीजें विच इज ये बी टी एस मेम्बर हार्ड कोर बी टी एस फैन है मैं अभी बता देता हूँ आप लोग मिसअंडरस्टैंड uh, मत करो कि मैं बहुत बड़ा बीटीएस फैन हूँ मैं बना रहा हूँ क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आई है एंड दे आर वेरी क्यूट कैरेक्टर्स है ना आई लाइक द सॉन्ग डायनामाइट डायनामाइट सॉन्ग पसंद है मुझे बट अदरवाइज आई एम नॉट लाइक अ ह्यूज फैन और एनीथिंग इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है दे आर रियली नाइस दे आर वेरी टैलेंटेड एक्सट्रीमली गुड डांसर्स लव फ्रॉम कर्नाटका थैंक यू सो मच लव बैक फ्रॉम हैदराबाद टू यू सर आपका नंबर उपुंदा प्रभु हाउ कैन आई सेंड यू माई नंबर मैं पब्लिकली कैसे डाल सकता हूँ ये बताओ माई एम यू बिग फैन थैंक यू सो मच यार थैंक यू गाइज द वे आज आज का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो गो हैड एंड देख लेना आज ही एक वीडियो पब्लिश किया है एंड आई होप यू गाइज लाइक दैट थोड़ा सा uh, अलग है लेकिन अब तक हम लोगों ने लोगों का किया है अभी इस बार मैंने किसी इंसान का नहीं किया है डन समथिंग डिफरेंट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आई होप यूल लाइक इट जिन्होंने अभी नहीं देखा देख लेना um, Yes. So what I was doing is I was trying to get the लाइन uh, वर्क to be clean. से अभी मैं बिल्कुल डार्क कलर लेकर उससे डार्क यानी कि ब्लैक ही लिया हुआ है समझ लो और उससे मैं लाइन वर्क कर रहा था एंड इन द प्रोसेस आई वॉज टाकिंग अबाउट वट एवर आई डू और व्हाटएवर आई हैव डन सॉरी मेरी स्टोरी में जो जो हुआ है कैसे मैं अब तक जो भी चीजें करता आया हूं इट्स नॉट 100% क्लीन बट यू कैन सी बाय नाउ पगोपी सस्ता बीबी -बी? <laughs> कौन मैं हद <laughs> हो गई यार मुझे ये नहीं समझ आता सिर्फ बाल लंबे हैं तो मैं सस्ता बीबी -बी बन जाता हूं क्या बाल लंबे हैं व्हाट एल्स इज देयर बीबी में और मुझ में क्या कॉमन है वैसे लाइक वॉट एम टॉकिंग अबाउट मैं आर्टिस्ट हूँ मैं बीबी कैसे बन सकता हूँ बताओ आई एम नॉट अ कमेडियन आई डोंट हैव कैरेक्टर्स वट एल्स इंटरेस्टिंग कैन यू मेक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई फ्रेंड्स इमेज फॉर मी यार आई है प्रोजेक्ट्स मैं पेंटिंग्स अभी करेंटली कर नहीं रहा हूँ है ना um, इन द सेंस बाकी के लिए या फिर प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि देर इज सो मच दैट इज़ ऑलरेडी देयर काफ़ी सारा काम ऑलरेडी चल रहा है तो मैं इसलिए आ, आपका जो भी रिक्वेस्ट है वो नहीं ले पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली यस कलर की टिप्स बताओ हाउ टू सेलेक्ट कलर ऑफ फॉर पोर्ट्रेट्स लंबा टॉपिक है यार एक तो आई कैन टेल यू इज डोंट मेक द स्किन इन वन कलर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्किन में अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर होता है कहाँ पर uh, uh, क्या कहते हैं वेर देर इज़ ब्लड वेयर देर इज़ ग्रे एरियाज़ क्योंकि अगर हेयर है तो हेयर की जगह पर अलग कलर आता है थोड़ा सा यहाँ पर देखो अगर हेयर है तो उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है अगर देर इज़ यू नो लिप्स के पास ऑब्वियसली रेड होता है इफ़ यू आर अ फेयर पर्सन तो आपकी स्किन पे रेड ज़्यादा नज़र आएगा जहाँ जहाँ पर एंड्स होंगी फेस की वो सारी चीज़ें तो प्लीज डू टेल यू नीड टू लर्न ड्राॅइंग ऑन पेपर फर्स्ट कैन वी स्किप टू पी सी डायरेक्टली सोनाली इफ यू नो टू ड्रा ऑन पेन पेपर एंड पेन्सिल देन इट्स अ गुड थिंग इट्स अ गुड थिंग इफ यू नो इट नो टू ड्रॉ ऑन पेन एंड पेपर

Um, and it will take some time to get used to it. से even if somebody knows how to do digital painting, sorry regular painting जो करते हैं उनको भी थोड़ा सा digital सीखने में time लगता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी learning curve है ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ जैसे zoom in zoom out कर रहा हूँ या फिर हाथ से display पर draw कर रहा हूँ तो you will not be very comfortable in the starting। बिल्कुल beginning में आपको नहीं समझेगा कि ये कैसी चीज़ें uh, मतलब कैसे operate करना है इन सब चीज़ों को सो so, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल यू विल एंजॉयिंग द प्रोसेस आपको मजा आएगा करने एंड विल बी डूइंग इट इन अ वेरी वेरी इजी एंड सीमलेस मैनर राइट गाइस अथा आई थिंक आई मिस डॉट ऑन समथिंग वेट कुछ मिस कर दिया मैंने आई मिस ड्राॅइंग द चिक्स ऑन दिस स्काई यस आठवा आर्मी क्या कहती है आठवा आर्मी एंड बीटीएस आर्मी का ओवरलैप जो है पीपल आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम राइट नाउ आई नो, क्योंकि आप लोग कितने बड़े फैंस uh, हो बीटीएस के मैं समझ सकता हूँ और आप लोग कितने ज्यादा एडमायर uh, करते हो उनके स्किल को आई कैन टोटली अंडरस्टैंड लेट मी गो नो थैंक यू क्यों टोपी लिखा रहे हैं सीमीन यूट्यूब आजान आई विल सी आई विल सी सर एक्सपी और हुयन विच इज़ द बेस्ट अंडर सिक्स के यार आपका जो रिक्वायरमेंट है ना जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो या फिर जो भी टैबलेट आप लेना चाहते हो आपका बजट आपने बता दिया वाई डोंट यू गो हैड एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम Uh, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना यार कि आपका रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है किसी और का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है आप क्या ड्राइंग करना चाहते हो क्या चीज़ें बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता पाऊंगा परफेक्ट कौन सा रहेगा आपके लिए है ना सो मैसेज भी ऑन इंस्टाग्राम माई हैंडल इज एट द रेट आठ माँ ए आर टी एम एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू है ना एंड या एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ टैबलेट वन थिंग आई कैन टेल यू इज आई नो दीज पीपल हु आर वर्किंग इन द स्पेस जैसे कि एक्सपी पेन या फिर बाकी जो भी ब्रांड्स हैं um, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आई कैन प्रॉबेबली गेट यू सम गुड डील्स आपको डिस्काउंट्स वगैरह चाहिए तो आई थिंक आई कैन स्पीक टू दैम एंड आई कैन गेट यू समील्स ऑन दैट सो या दैट्स ऑल्सो समथिंग दट आई कैन डू फॉर यू उपुंदा प्रभु प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम अनफॉर्चुनेटली मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता यार वॉट कैन आई डू इट्स जस्ट अबाउट नॉट बींग एबल टू डू इट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म अभी मैं यूट्यूब पर कैसे आपको नंबर दे दूँ आप बताओ वाई डेंट गो हैड एंड मैसेज में ऑन इंस्टाग्राम बोला ना मैंने मैसेज आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे तो आई रेस्पॉन्ड टू मोस्ट पीपल अगर किसी का मैसेज मैसेज आता है इट्स बिकॉज अदर फोल्डर वगैरह में चले जाते तो उसकी वजह से एनी वेज आई होप यू गाइज लाइक दिस मी कोया में कुछ मिसिंग है कोया के कलरिंग में थोड़ा सा ऑफ है तो मैं इसको थोड़ा सा कर करेक्ट कर देता हूँ राइट एंड या बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट आई कैन अरेज स्टफ दैट आई डोंट नीड गाइज आप लोग को ना स्ट्रीम आइडियाज मेरे को भेजने होंगे वॉट एल्स डू यू वॉन्ट सी what else do you want to see on the streams what can i teach you how can i help you get better हमने एनिमी कैरेक्टर्स बनाए हैं हमने कैरेक्टर आर्ट बनाया है हमने पोर्ट्रेट्स um, पोर्ट्रेट्स नहीं बनाए हैं पोर्ट्रेट्स आर अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक वो शा वी हैव डन समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ पोर्ट्रेट जैसे कि अगर डिज्नी प्रिंसेस बनाया तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ड्रैगन्स बनाए हैं आप uh, वो भी देख सकते हो देर इज़ अ लॉट दैट वी हैव डन ऑन दिस चैनल तो आप uh, वो सारा कुछ फॉलो कर सकते हो एंड यू स्टिल भी एबल टू लर्न अ लॉट विदाउट एक्चुअली गेटिंग इन टू एनी पेड प्रोग्राम आप फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो बट इफ यूट अ कम इन टू माई प्रोग्राम देर इज़ ऑलवेज दैट ऑप्शन वेर आई गो इन टू मच मोर डिटेल काफ़ी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं एंड नॉट ओनली अबाउट यू नो आर्ट आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स विच आर से थिंग्स बियॉन्ड आर्ट है ना um, जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है तो वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो उसके लिए क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिकली आपको करनी होंगी द लाइन वर्क इज़ नॉट वेरी क्लीन आ डोंट जज मी मैं लाइव कर रहा हूँ आपसे बातें करते करते कर रहा हूँ तो क्लीन आप कर सकते हैं इसको डू ऑल ऑफ दिस पीसफुली आराम से फुर्सत से है ना आई पी सी एडिट्स कैसे हो हाउ आर यू हाउ आर यू डूइंग यार मैं मैसेजेस देख लूंगा मैं अच्छी अभी ऐसा हो गया ना कि आई डूट आई हेट टू से दिस बट देर इज सो मच गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ विच मैं काफ़ी सारी चीज़ों को अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ विच इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव आई गेस क्योंकि सो मच इज गोइंग ऑन इट्स अ गुड थिंग नो अदरवाइज तो if you are out of things to do then i think that there is a problem <laughs> वैसे कुछ ट्राई कीजिए जिसमें टेक्सचर सीख सके वुड स्टील रफ वाला और अलग-अलग टेक्सचर्स हां तृप्ति इज देयर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या क्या किया मैंने ये निकल आया ये कुछ तो निकल आया माइक में से आई हैव टू सी ये कहाँ से निकला है इसको वापस लगाना पड़ेगा मैक्सिमम ffff स्ट्रीम है ये

इफ़ देर आर एनी अदर क्वेश्चन आई विल आंसर दैम इफ नॉट मैंने बोला था डेढ़ घंटा इट्स बिन वन आर फोर्टी मिनट्स तो लेट मी गो हैड एंड नेम दिस स्ट्रीम ओनली ड्रॉइंग बी टी एस कैरेक्टर्स है ना सारंगे हो थैंक यू थैंक यू वेलकम टू दिस स्ट्रीम सिंगल बॉय हाय आई एम नॉट एबल टू फाइंड वॉट आर यू नॉट एबल टू फाइंड ऊपर है यार पिन किया हुआ है कॉमेंट पिन कॉमेंट जो है उसको देखो दैट इज द वन सर जो गिव अवे रखा है उसकी डिस्क्रिप्शन में काम नहीं कर रहा है इट्स नॉट वर्किंग गिव अवे ख़त्म हो गया यार बहुत पहले हुआ था वो एनी वेज वॉट एल्स प्लीज़ वॉच मी ऑन यूट्यूब आई विल आर्ट ऑफ अनुष्का आई विल भाई आपका माइक खराब हो गया है क्या बोल रहे हो अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं माइक का ये ये निकल आया है इसको मेरे को लगाना पड़ेगा <laughs> विष्णु जस्ट वॉन्ट्स मी टू डांस विष्णु इज लाइक विष्णु करने को बोलना ही भूल गया यार ओ माई गॉड फोर हंड्रेड सिक्सटी टू दैट इज क्रेजी कैन वी गेट इट टू फाइव हंड्रेड क्या हम लोग फाइव हंड्रेड पहुंचा सकते हैं क्या इज इट पॉसिबल यार एक सुपर uh, चैट भी आया है आई एम सॉरी हुट दैट सुपर चैट आई मिस दैट मैं वापस जाता हूँ देखता हूँ व टू गिव यॉर्ट आउट कैन वी मेक इट फाइव हंड्रेड इज इट पॉसिबल बी टी एस आर्मी के आप लोग मेरे लिए कर सकते हो यार पुराने चार्ट आ नहीं रही है फॉर द पर्सन हू गेव मे द सुपर चार्ट थैंक यू सो मचमीन से लॉट टू मी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई वर्क सुजल जात सुजिल जात इज सेंग अबे जा कहाँ जाऊँ मैं अपने घर पर हूँ अपने चैनल पर हूँ कहाँ जाऊँ बताओ वेर टुडे गो यू टेल मी आप यहाँ आए हो आपको <laughs> अगर यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है तो यू कैन लीव वेरी पीसफुली है ना हेलो सर हेल्प मी बोलो ना क्या चाहिए हाउ कैन आई हेल्प यू फोर सेवेंटी वन यस हाई सर हाउ आर यू श्रीदर हाय आई एम गुड यार शार्ट आउट मैन आई एम सिद्धांत वर्मा हाँ स्वराज स्वराली जाधव इज क्यूट। थैंक यू हाउ टू ड्रॉ एनिमे मैंने किया यार आई हैव डन इट सो देर इज अ स्ट्रीम ऑन हाउ टू ड्रॉ फुल बॉडी एनिमे वो देख सकते हो आप पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें सर डू यू नो आर जी बाट लिस्ट एंड बाकेट लिस्ट का पिछली बार हमने उनके कैरेक्टर का ड्रॉ किया था यार दैट वॉज देयर एंड ही रिप्लाइड ऑल्सो ही कॉमेंटेड ऑन इट आप जाके देख सकते हो पुरानी स्ट्रीम पर कैन यू टीच हाउ टू ड्रॉ कुकी ऑन आई बिस पेंट प्लीज वेंकी भैया वो किया हुआ है वो भी है स्ट्रीम पर कुकी आप स्पेसिफिकली कुकी पूछ रहे हो ना उसका भी कैरेक्टर uh, आर्ट जो है वो उस पर है क्या कहते हैं स्ट्रीम पर है सॉरी एक शॉर्ट uh, वीडियो है उसका मैंने इसका भी मिस कर दिया वेट आई विल हैव टू ऐड आपने कुकी बोला ना तो कुकी को देख के मेरे को याद आया कुछ तो मिसिंग सा लग रहा था बी टी एनी वे प्लीज फोर सेवेंटी फोर आसम थैंक यू नेक्स्ट ड्रॉ गोकू गोकू भी बनाया है मैंने आप लोगों ने जितनी रिक्वेस्ट की है ना वो सारी रिक्वेस्ट आई थिंक इन सम और द अदर स्ट्रीम आई हैव डन गोकू का पूरा का पूरा प्रोसेस है आई बी पेंट पर गोकू कैसे बनाना है वो एक पूरी स्ट्रीम पर है आप एक काम कर सकते हो यार आप लोग ना स्ट्रीम को ओपन करके एटलीस्ट देख लिया करो कि आगे आगे बढ़ा के कौन कौन सी कैरेक्टर्स ऑलरेडी बन चुकी हैं बिकॉज आप भी अगर सीखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हो आराम से ये सारी चीजें हम कर चुके हैं इन सम फैशन वी हैव डन ऑल ऑफ दिस जिनके भी माउथ के अंदर कलर नहीं उनको भी कलर कर देता हूं हेलो सर हाउ कैन आई बी अ ग्रेट ग्राफिक डिजाइनर वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन मतलब ये चार मार्क का आंसर नहीं है इसका बीस मार्क का आंसर से भी बड़ा आंसर है तो अलॉट अलॉट ऑफ स्टफ विल गो इन टू इट फोर हंड्रेड सेवेंटी सेवन ऑसम हेलो सर हाउ कैन आई सुना मैं पढ़ा मैंने वो सर आई लव योर वर्क यू हैव टू हंड्रेड के सब्स एन यू रिप्लाई मेजोरिटी ऑफ द पीपल थैंक यू थैंक यू यस आई ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी पीपल एज आई कैन जितना पॉसिबल हो जाता है आई वॉन्ट टू लर्न डिजिटल आर्ट सो विच एप्लीकेशन विल बी बेस्ट फॉर बिगिनर्स लाइक मी अनुष्का इफ यू वॉन्ट टू लर्न डिजिटल पेंटिंग अगर आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो या फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो तो फोटोशॉप इज दी बेस्ट आई फील मेरे को अच्छा लगता है आई एम वेरी कंफर्टेबल आई विल नॉट से दट दैट्स अ बेस्ट फॉर एवरीबडी बट देर आर अदर एप्लीकेशंस लाइक क्रीटा देर इज क्लिप स्टूडियो पेंट ऑल्सो अगर आप एक एप्लीकेशन के साथ कंफर्टेबल होना चाहते हो तो आई वुड से गो विद फोटोशॉप बिकॉज वो यूनिवर्सल है लॉट ऑफ़ पीपल यूज इट एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दट यू फे मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल स्ट विथ उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको आसानी से येस वॉट एल्स कैन यू से आई पर्पल यू प्लीज रूपांजेना आई पर्पल यूस फोर हंड्रेड एटी थैंक यू गाइजार्ट यू मेड द हार्ट इन पिंक बट आर्मी हार्ट इज इन पर्पल लेकिन आई कैन डू इट लाइक द रेफरेंस दैट आई है वो पिंक में ही है सो आईव पिंक ओनली वी कैन ऑलवेज डू इट इन पर्पल उसमें क्या है लेट मी सी वेर इज दलर वेर है

दटिंग दट आई हेड इन माई माइंड बट मैंने जब वो नाम चूज़ किया था ना मुझे लग रहा था कि मैं ही बड़ा यूनिक इंसान हूँ जिसको ये आइडिया आया है और किसी ने सोचा नहीं होगा बट वेन आई नाउ सर्च देर इज सो मेनी अदर थिंग आट मा बट या क्या कर सकते हैं अब है तो है सर प्लीज आई वॉन्ट लर्न टू मेक आर ओन कैरेक्टर एनीमी कैरेक्टर कैरेक्टर डिजाइन इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक समटाइम मे बी आई टच अपॉन इट सर कैन यू प्लीज मेक सम मिराकलस लेडी बग कैरेक्टर्स प्लीज संस्कृति शर्मा डिड मिराकलस लेडीबग इन द लास्ट स्ट्रीम इट्स देर प्लीज गो आईड एंड चेक सबसे लास्ट वाला आर्टवर्क इन द लास्ट स्ट्रीम इज मिराकलस लेडी बग नॉट इन हाँ इन द लास्ट वन ओनली इन द लास्ट स्ट्रीम यस सर अगला गिव अवेक कब होगा प्लानिंग कर रहे हैं बताऊंगा मैं होपफुली जल्दी हो जाएगा विच ड्राइंग एप इज बेस्ट फॉर मोबाइल आई बिस पेंट इज गुड आई हैव सीन आई Uh, उसके अलावा ऑटोडे स्केच बुक भी हैं वो भी यूज़ कर सकते हो सर फोटोशॉप फोन में इंस्टॉल कर सकते क्या आई वुडेंट रेकमेंड इवन इफ फोटोशॉप मोबाइल इज देयर वो सारा उसमें फंक्शंस नहीं होगा जो आपको चाहिए बनाने को है ना यू विल नॉट गेट ऑल ऑफ इट वट एल्स फोटोशॉप में वट 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 आई स्टीवन स्टीवन यूनिवर्स अच्छा करेंगे यार कभी 488 गाइस, 12 ऑफ यू देर आर 12 पीपल आउट देयर हुई हंड्रेड लेट्स रीच 500. हंड्रेड लेट्स is, is um, मैं इसको छोटा कर देता हूँ लेट मी मेक दिस थिंग स्मॉलर इसको नीचे ले आते हैं और अपना जो विंडो है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं सो बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू गेस्ट ना ऑल्सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो गोवा सब्सक्राइब। सिक्स मोर पीपल्स मोर पीपल्स लेट्स मोर पीपल्स हू कैन मेक मी हैप्पी बिफोर आई एंड दिसम वेर वी हैव डांस क्यूट बी टी एस कैरेक्टर आर्ट्स एंड मैंने आपको कुछ कुछ और चीजें दिखाई जो मेरे पास मर्च रखी हुई है यस गाइज एनी अदर क्वेश्चन एनी थिंग एल्स दैट यू हैव इन योर माइंड आई थिंक वील है अभी आई हैव वेटेड बट आप लोग शायद नाराज़ हैं फिफ्टी हो गया do you yes yes Can, do you uh, use drawing tablet without screen no i have something with the screen so there is a tablet which is with the screen and us pe draw kar raha hu main i don't know aap logo ko dikh nahi raha hoga yahan pe screen ke bahar hai but uh, this is a pen that i'm using and i'm drawing directly on the screen uh, i want death note death note ka bhi banaya hua hai ye sari characters ke request i think now i'm thinking कि november से start हुआ है इसलिए november december january february march like पाँच महीने से स्ट्रीम कर रहे हैं हर हफ्ते दो बार सो मोस्ट ऑफ़ द रिक्वेस्ट दैट यू गाइस हैव मेड आई थिंक सारे हो गए बी टी एस वॉज द थिंग दैट आई थिंक आई वॉज मिसिंग आउट ऑन बाकी जितने रिक्वेस्ट आए थे वो सारे तो बनाए होंगे हमने किसी भी ना किसी स्ट्रीम पर तो थ्री मोर पीपल एंड वी विल डू अ हैप्पी डांस एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द स्ट्रीम फॉर टुडे दो घंटे हो जाएंगे एंड हम पहुँच रहे हैं पाँच सौ के करीब कैन वी हिट फाइव हंड्रेड लाइक्स ऑन दिस स्ट्रीम प्लीज सर मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ मोनोनोकी मोनोनोकी इज इंटरेस्टिंग मोनोनोकी इज़ इंटरेस्टिंग सर हमें कौन से ऐप में मीटिंग आईडी डालनी है मीटिंग इज़ ऑन 500 यस yes! ये क्या बात है आप लोगों ने 506 लाइक्स कर दिए थैंक यू सो मच आर्मी आई है लिटल बिड ऑफ हैी हट कर मैं आपको दिखाता हूँ

उन लोगों ने शायद कुछ चीजें पिक की इस चीज uh, से इस स्ट्रीम से एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून इन अनदर स्ट्रीम एंड एज ऑलवेज लाइक आई ऑलवेज से स्टे स्ट्रांग एंड कीप क्रिएटिंग हैव अ गुड नाइट आई विल मीट यू वेरी Bye बाय बाय ट्वेंटी फिफ्थ वाले स्ट्रीम में या फिर सेशन में जरूर अटेंड करना पिंड कॉमेंट इज देयर फॉर यू टू रजिस्टर ऑल राइट थैंक यू बाय बाय हैव अ गुड नाइट